أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी हमारे चैनल कारी यकूब फैसला बदल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर क्लिक करें। जज़ाकअल्लाह। अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون मैं तो नादान ही था दानिस्ता भी क्या क्या न किया। हर बंदा अपने आप नू अपने अल्लाह दे हजूर पेश करके ये कहे दिल दिल अंदर कवे मैं तो नादान ही था दानिस्ता भी क्या क्या न किया पर लाज रख ली मेरे अल्लाह ने मुझे हमें रुस्वा न किया। बात दिल में ही थी दिल में रही और काम हो भी गया ऐसा कौन के जिसने ज़बान का तकल्लुफ भी गवारा न किया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا الله جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء दुश्मनों के भी मुहसिन पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले ये है तर्जमा मुहसिन आदादा अदुवन अरबी अंदर दुश्मन नु कहंदे ने आदाउन एदी जमा मुहसिन आदा दुश्मनों के भी मुहसिन पत्थर मारने वालों को दुआएं देने वाले सुभान अल्लाह। अजे भी तर्जमा समझ नहीं आया मैं तो अड़ी आम फहम जबान अंदर समझावा खाके अगयार से पत्थर वो दुआ देते हैं खाके अगयार से पत्थर वो दुआ देते हैं रहमत आम का पैगाम सुना देते गए जिक्र सरकार चले जब भी जहान दिल में फिक्र एहसास में नई शमे जला देते गए
उनके तजकार की खुशबू से महकता है जहां, जलते लम्हों को जो गुलजार बना देते हैं। ये जे तर्जमा मोहसिन आदादा, दुश्मनों के भी मोहसिन, पत्थर मारने वालों को, बोले जरा पत्थर मारने वालों को, दुआएं देने वाले मेरे और आप दे पीर मुर्शद, जहाना दी रहमत, रहबरो रहनुमा, इमाम आजम, पैगंबर आजम, पूरी कायनात दे कायदे आजम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि वसल्लम वास्ते, मेरे प्यारे 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 दोस्तों, बुजुर्गो, भाइयों, मुअज्जजीने किराम और साढ़े मेहमानाने गिरामी, मेहमाने खुसूसी, मेरा बरखुरदार, मेरा रूहानी बेटा अरसलान साहेब, जो तांदने वाले तो माशाल्लाह पूरी टीम दे नाल तशरीफ लाए अज दे साड़ी इस दावत ते, माशाल्लाह साड़े मेहमान खुसूसी और दीगर जितने भी दोस्त तशरीफ लाने वाले, ज्यादा असी हुकूमती पाबंदी की वजह तो यानी कोई दस नहीं सके, चंद अपने खास बंदिया नूं असी कहा माशाल्लाह, जिन्हां जिन्हां नूं कहा वो माशाल्लाह सारे तशरीफ लै आए अल्लाह दे फजल नाल। अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत नाल मेरा तुहाडा इस अपने अल्लाह दे घर दे अंदर, ये जिहड़ा अल्लाह सोने दा प्यारा घर है, ये अंदर बैठना साड़ी निजात दा ज़रिया बनाए। जिथों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मेरे सुनने वाले दोस्त भाई मुअज्जजीने किराम और पूरी रूए जमीन ते बैठ करके सुनने वालियां, मेरी इज्जत वालियां, रूहानी मामा पहना, ये लाइव प्रोग्राम तुहाडा नशर हो रहा है और ये एक दो चार बंदे नहीं, दो चार दस हजार नहीं, ये लखां तो ज्यादा लोग, करोड़ां दे करीब पहुंच जाते ने, वो लोग सुनते ने तुहाडी बात नू। अल्लाह तबारक व ताला सारयां दा सुनना और इहदे बाद इहदे ते अमल करना अल्लाह सोना अपनी रहमत नाल कबूल मंजूर फरमाए। लो जनाब, बात लंबी नहीं, मैं ज्यादा कुरान पढ़ांगा, सूरह यूसुफ दा खुलासा बयान हो रहा है अल्लाह दी तौफीक दे नाल और बड़ी दिलजमी दे नाल, बड़े इनहिमाक नाल होएगा इंशाअल्लाह। ते कुरान दे बारे दे अंदर अल्लामा इकबाल ने जड़ी वी मुकाई है ना, वो इब्तदा दे अंदर वी मुक जाए ते फिर अगो वीआं कई मुकदियां रहणगियां अल्लाह दी रहमत नाल इंशाअल्लाह। इधर वेखिया जदरा, अल्लामा इकबाल ने कहा, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं अच्छा स्पेशल लियाना पैना कोई बोलन वास्ते, है जी अल्लाह, और तुम आप ही बोल पो अल्लाह की मेहरबानी, इधर वेखना है जी। अल्लामा इकबाल ने तुहानू मैनू अपनी जान क्या है, दर्द किन्ना सी उन्होंने बयान अंदर। वैसे सियालकोट की सरजमीन बड़ी जरखेज है, अलामिया की सरजमीन है, उत्थे दो अलामे ते अल्लाह ने ऐसे पैदा फरमाए, एक अलामा इकबाल, दूसरे अलामा एहसान, कल्ला कल्ला भारी करोड़ों इंसान, आहा इतने प्यारे लोग। अलामा इकबाल ने कमाल दर्जे का बयान किया, फरमांदे ने, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। हाँ, पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरी जान, मेरी जान पढ़ा कर हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान। पढ़ा कर, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान। पढ़ा कर ला रईब, तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ला रईब ना खत्म होने वाली, ला रईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर, पढ़ंदा भी सवाब उतना ते सुनदा भी सवाब उतना, सवाब बराबर है। इधर वेखना मेरे तेरे प्यारे महबूब पैगंबर, उन्हां लोगां दी ज़हन साज़ी वास्ते मैं बयान करा जेड़े अपने आप ही मुफ्ती बने रहंदे ने,
کہ لفظ نہیں پڑھے الف تو بے نہیں جانتے تو مفتی ایڈے بھارے کے سنبھالے نہیں جانتے وہ کسے دوسرے دی قرآن سارا کھول کے سامنے رکھو حدیثاں ساریاں بخاری مسلم دیاں ترمذی ابو داؤد نسائی شریف دیاں سکا حدیثاں انہاں دے سامنے پورے او راوی سکا حدیثاں صحیح نبی دی بات بالکل درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک روایتاں سندا پہنچ دیاں نے تے انہاں نے پرواہ نہیں بس این جتھے ٹکے دا پھس گیا نا اڑیا ٹکا اوتھے ہی اڑ گیا پھس گیا سنگڑ آ کے ہو گیا تے مفتی پرلے درجے دا ایویں مفتی فتوی جڑی جانے ادھر ویکھنا میرے اور تو آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَزَيِّنُ الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فرمایا قرآن مجید نو اپنی خوبصورت آوازاں نو بنا سوار کے پڑھیا کرو مزین کر کے پڑھیا کرو مزین میں نا بڑا سوار کے جی 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 اور جناب بخاری مسلم دی حدیث میرے تواڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیسا منا والی حضرت فرما دینے لیسا منا لمن لم یتغن بالقرآن او ساڈے وچوں ہی لئیے جڑا قرآن پاک نو ترنم نال نہیں پڑھدا ایک اندر نہیں نہیں مینوں چنگا لگدا تیرا ایمان ہی کوئی نہیں اندر تیرا نہ حدیث تے ایمان ہے نہ قرآن دی آیت تے ایمان ہے اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا قرآن نو ترتیل نال سونے انداز نال بڑا سوار کے پڑھ لیکن حدیث تے بھی بخاری مسلم دی ضرور کہندا نہیں جی میرا زہر میں نہیں جڑا جڑا پتا جا بگاڑ بگاڑ کے قرآن نو پڑھے اکھے جی او مینوں چنگا لگدا ہے اے جڑا طرز نال قرآن پڑھنا ہے نا ترنم نال سونا کر کے بڑھو گے جی میں نے چنگا ہی نہیں لگتا اور تیرا دل ہی مردہ ہو چکے ہے تینو وہ بھی نہیں چنگا لگتا تو گا میں ذہن ہی بنا لیا کل نو کہے گا وہ بھی میں نے چنگا نہیں لگتا تینو دین چنگا ہی نہیں لگتا قرآن تینو چنگا ہی نہیں لگتا حدیث چنگی ہی نہیں لگتی اس واسطے تیرا ذہن بنایا ہویا اپنے کولو مفتی بنیا سن ذرا اللہ اکبر فرمایا جی الف لام را تلك آيات الكتاب المبين فرمایا اے قرآن پاک دی آیتاں نے واضح طور تے کھول کھول کر کے بیان کیتیاں گئیاں نے اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنن عربیا اللہ فرما دے نے قرآن پاک نو اسی عربی زبان کاری کاری نواز صاحب اگے آ جاؤ سلف صاحب اگے آ جاؤ کاری صاحب اگے آ جاؤ ہاں جی قرآنن عربیا اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید نو اسی عربی زبان در نازل کیتا ہے جن لوگاں دے اندر پیارے نبی آئے عرب اندر اور عرب دی زبان عربی اس سے زبان دے اندر قرآن اتاریا گیا تاکہ لعلکم تعقلون تاکہ لوگ سمجھ لین یعنی سمجھن واسطے جی یعنی عربی زبان چ نازل کیتا گیا ہے اور ویسے بھی فساد تو بلاغت لحاظ نال عربی زبان دنیا دی ایک نمبر سرخیل زبان ہے یہ دنال کوئی دنیا دی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی عربی زبان اللہ دی اپنی زبان ہے اللہ عربی چ کلام کردہ ہے عربی زبان اہل جنت دی زبان ہے عربی زبان میرے سونے محبوب آمنہ دے لال دی زبان ہے محمد عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فصیح و زبان فصیح و بلیغ زبان سمجھن دے اندر بڑی آسانی ہے واقعات الجھان واسطے نہیں سمجھان واسطے بیان کیتے جاندے نے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا اللہ فرما دے نے اسی بیان کرنے یا سونے محبوب پیغمبر تو آڈے تھے
बड़ा अच्छा बयान, बड़े चंगे ते अच्छे ते बेहतरीन किस्से, बेहतरीन बयान करना कुराने पाक नु, कुराने पाक नु बेहतरीन किस्सा दमना बयान करना ही हुंदा है। नानु ना कुसू, हम बयान करते गए लईका पर, यानी तुहाडे वास्ते सुनिया बयान करने हैं मेरे महबूब पैगंबर। अहसन अल कसस, बहुत उम्दा बयान, बहुत उम्दा, बड़े बड़ा ही अच्छा बयान। बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरआन, हाज़ल कुरआन, अल्लाह फरमा देने सोनिया वही दे दरिए से कुरान पाक नूं तुहाडी तरफ, अल्लाह करीम फरमा देने असी नाज़िल फरमाने आ। हां जी जनाब, नाल ही अल्लाह करीम ने फरमाया व इन कुंतल मिन कबली लमिनल गाफिली। सोनिया, इस तो पहले ना चीजा तो ना किसिया तो ना वाकया तो, ये जो जो तारीख हिस्ट्री बयान की गई है सबका उम्मतां दी ते नबियां दी, वो सारी तो तुसी ना वाकफ सो मेरे नबी अल उम्मी। किसे इंसान कोलो तो पढ़े हुए नहीं सन, क्योंकि लोग ये ना आखण किसे कोलो पढ़ के लोग बयान करते ने, ये बावजूद भी इन लोगों ने अपने कोलो ये मसले गल लै कहते ने ना 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 ना, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोलो ही जोड़ी जाते ने। अल्लाह फरमाते ने सोनिया, इस तो पहले तुसी बिल्कुल बेखबर सो, बिल्कुल बेखबर सो। सोनियो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ ले आए ते बस जेड़ा बच्चा एक बारी साडे कोले आ जांदा ते फिर ओ रजिस्टर्ड है, छुट्टी ते जांदा घरो पांच चार होर लै के आंदा। दाखला बंद करने तो बाद छे बच्चे होर दाखल हो गए, दाखला बंद भी किया, हालांकि साढ़े कोल इन्नी जगह नहीं बिठलाण कुरान नूं। माशाल्लाह, अल्लाह इन्हां दी जिंदगी च बरकत फरमाए, अल्लाह रहमत और बरकत नाज़िल फरमाए। माशाल्लाह, तरबियत ऐसी होंदी है, बच्चा छुट्टी ते घर जांदा है ना, लोग पुछदे ने बच्चा ओहो ही मुंडा ओहो ही जी जिहड़ा संभालिया नहीं जांदा सी, हुण हुण ते जनाब माशाल्लाह सियाणिया ही नहीं जांदा। हां जी, किधरे अस्सलामु अलैकुम, किधरे चाचा जी, किधरे अबू जान, हां जी अम्मी जान, सलामु अलैकुम, इधरों सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, सलाम दुआ अखलाक प्यार गवांडियां नाल अपने कहंदे ने, रोज या मार खा के आंदा सी ते या मार किसे नूं मार बार दे के आंदा, मार के आंदा या मार खा के आंदा जी। लेकिन हुण माशाल्लाह ये ते अदल तब्दीली आ गई है, ये अमल दी तब्दीली, अल्लाह दे फर ना दी तब्दीली ते दुनिया ने लै आंदी ना, सुन ली वेख ली ना, रज गए कन्नो कन्नको नक हो गए, कन्नो कन्न हो गए, कहंदे ने बस इहो जी तब्दीली तो दी रजे, इहो जी मदीने दी बस्ती तो साडी, हाजी साडे हथ खड़े ने, असीं हथ जोड़ के कहने अल्लाह माफ फरमाए, कि इंज दे झूठ तूफान नहीं होने चाहिए। अल्लाह अकबर, ऐ लिखन असीं दूर दूर बैठ रहे, बैठ जाओ थोड़े दूर फासले नाल बैठ जाओ, और जिवें बैठे हो दूर दूर ही बैठना है, लेकिन हुकूमत वेखो साहिब इकतदार हुंदे ने, असीं उन्हां दे कहण ते भी पता ते सारयां नूं लग्गिया पिआ है। हाँ जी, ये करोना नहीं रोना है, रोना काफ नालों ला दे ते रोना ही रह गया है, कोई शह नहीं इहदे च सवाए एक साजिश दे, बर कैफ फिर भी असी हुकूमत दे जी तदाबीर दे मुताबिक असी कहने ठीक है अमल कर लेना चाहिए, ते बाकी पता ते लग ही जाना है, पोल ते खुल जाने ने, असी क्यों मुंह चाहिए अगे, है असी क्यों पहले पहले अपने पिता। इस वास्ते मैं अर्ज करना, इधर वेखना जरा, अल्लाह ने फरमाया मेरे सोने महबूब पैगंबर, كنت من قبله لمن الغافلين। सोनिया, इस तो पहले तुसी इन बातों तो काबिल सो, यानी तुहां तुसी बेखबर सो। इज قال يوسف لأبيه يا أباتي إني رأيت أحد عشر
कौकब जदो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जी नु आखिया ले अभी ही अपने बाबे नु आखिया या अबाती ये मेरे अब्बू जी अब्बू जी अब्बू जी कहंदे ने तो बेशक मैं देखिया है आहदा आशारा आहदा आशारा कौकब यानी 11 सितारे अल्लाह अकबर 11 सितारे फरमाते ने वशंस वल कमरा और सूरज ते चांद और आई तो उंगली साजिदील राई तो हुमली पहले हालांकि राई तो आ गया पहले इन्नी राई तो मैं वेखना यानी ख्वाब अंदर मैं वेख्या फिर दोबारा जिले पता चल गया कि मैनु सजदा जिहड़े कर रहे ने सूरज है जी ते और चांद 11 सितारे इहदे च पता लग गया ना कि मेरी बड़ाई दी बात है जदों अपनी बड़ाई दी बात आई फिर मैं नहीं फिर दोबारा रुके थे इत्थे रुकण तो बाद फरमाया राई तो हुमली साजिदी दोबारा फिर राय तो ता क्या वरना पहले राय तो है सी बोल दिता सी अल्लाह अकबर यानी अल्लाह वाले मैं नहीं कीता कर दे सुभान अल्लाह अपनी बड़ाई दी बात नु अगे भी दो तीन जगह ते मुकाम ऐसा आएगा यानी गल्ला च अपना जिक्र छड़ गए अपनी बड़ाई वाली बात छड़ गए अंबिया दी शान है और जनाब अंबिया अपने मैं नहीं करते अपने दर ते लोगां नु तवाफ नहीं करवांदे अपने सामने सजदे नहीं करवांदे ये ते तागूत ने वक्त दे जिहड़े लोगां नु अपने पैरां दे उत्ते सजदे करवाई पए ने पैरां दे उत्ते झुकाई पए ने अंबिया ओ गैरुल्ला नू सजदे करने वाली कौम दा रुख अर्श वाले रहमान दी तरफ मोड़ देने कहंदे ने सजदा करो ते सिर्फ अल्लाह नू सजदा करो उस शरीयत अंदर तजीमी सजदा जायज सी सहाबा ने वेख्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू एक ऊंट आके सरगोशियां करदा आपने उदे मालक नू बुलाया वाह मेरे नबी दी फरासत और मेरे नबी दी दानाई कितनी है कितने दाना इंसान ने मेरे प्यारे पूरी दुनिया दी दानाई पूरी दुनिया दी फहमो फरासत पूरी दुनिया दी अकल सारे जहान दी संजीदगी और मतानत एक पासे एक पलड़े च ते मेरे महबूब दी दूसरे पलड़े ते सोने महबूब दी मतानत संजीदगी और शऊर और अकल वाला पलड़ा भारी हो जाए सारी कायनात तो वध मेरे नबी किवें ना समझण अल्लाह अकबर आप समझ गए मेरे नबी ने उहदे मालिक नूं बुलाया फरमाया क्यों भाई इहदे तो कम ज्यादा लैंदा है शिकायत करदा नजर आंदा है ऊंट है जी काम ज्यादा लेना चारा घट पैना सोने गरीब आदमी आ चारा भी पूरा नहीं होंदा सारा दिन काम ना लेवा तो गुजारा भी नहीं होंदा आपने फरमाया ना ना मेरे प्यारे महबूब ने आज हैवाना नाल भी ज्यादती करने तो मना फरमाया ऐ जे अदल एनू कहंदे ने ऐ जे इंसाफ ना रख लेना सौखा है लेकिन इंसाफ करना बड़ा मुश्किल है दुनिया नूं पता लगता ही पिया ना अल्लाह अकबर जी मेरे प्यारे वीर मैं अर्ज़ कर रहा हां जी तवज्जो ना कहंदे ने अब्बू जी मैं देख रहा 11 सितारे फरमाया वशंस वल कमरा सूरज और चांद वाएतु उम्ली साजिदी मैनू सजदा कर रहे ने हजरत याकूब अलैहि सलाम फौरन आखदे ने कल या बुनैया ए मेरे बेटा जी मेरे पुत्री ला तक सुसरु या का ला इखवाती का फयकी दू लका कईदा ए ख्वाब अपने भाइयों के बयान ना प्या करी ओ कोई मकर करनगे कोई हिलसा कोई हीले बान नहीं जनाब कोई हीला करनगे कोई जनाब कोई किसे किस्म दी गलत सोच लै करके आनगे क्यों जो इल
الشيطان للإنسان عدو مبين کیوں جو ایک شیطان جڑا انسان دا کھلا دشمنے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ گل سمجھ آئی ایتھے بھی اپنا نام چھٹ گیا ایتھے بھی اپنا نام نہیں لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے جی جی یہ درویکھو کہ اللہ کہندے نے اسی طریقے نال ہاں جی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے نے بیٹا اللہ کریم تینوں چن لے گا ہاں جی ایک خواباں دی تعبیر اللہ تانوں سکھا دے گا یعنی خواب انج دا آیا نبی دے خواب وہی دا حصہ ہویا کردے نے خواب انج دا آیا کہ نبی دی فراست بڑی زیادہ ہویا کردی ہے سمجھ گئے اے بہت کو بلند مقام میرے یوسف نو ملنے والا ہے بڑا بلند مرتبہ ملے گا نا ایک تے جناب جگہ جگہ تے نشر کرنے تو بات اوپن کرنے تو روک دیتا کدھر تیرے بھائی حسد دی بنا تے کدھر غلط خیال ہی نہ کر لین حالانکہ بھائی بھی کسے دا بلند مقام مل جائے تے سارے دی عزت ہویا کر دے اگر کسے خاندان دا کوئی فرد اللہ کریم نو عزت دے دے وے تے سارے خاندان دی عزت ہاں جی شاگرد اپنے استاد دی عزت ہویا کردا ہے اللہ جتھوں تک مرضی پہنچا دے وے اللہ بڑے اعلی مقام عطا فرما دے وے میرے قاری محمد طیب صاحب اوکاڑوی اسی طرح قاری محمد عثمان فیصل آبادی ایک تو ایک وعد اللہ دی مہربانی نال شاگرداں دیاں لینا لگیاں ہویاں جناب پروفیسر محمد ندیم گجر صاحب کمالیے والے سبحان اللہ چل سو چل بیٹیاں دا تسی پہلے ہی علم رکھدے ہو ماشاءاللہ اللہ کریم اتنا زیادہ علم اندر عمل اندر تقوی اندر ورد اندر اتنا بلند کر دے وے کہ قیامت تک لڑیاں چل دیا رہن سانو قبراں چ پیانو ثواب پہنچدا رہے اللہ اکبر اللہ اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے نے بیٹا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ بیٹا اسے طرح اللہ تینوں چن لے گا منتخب کر لے گا بات سمجھ گئے کہ ہستی کو بڑھن والی یوسف نو بڑے بلند مقام ملنے والے نے یہ نبیاں نو اجد خواب آندے نے بچپنے دے اندر ہی خواب آیا حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اے میرے بیٹے نو بڑا اچھا مقام ملنے والا ہے کہندے نے اللہ کریم اے جناب خواباں دی تعبیر سکھائے گا اللہ اسے طرح وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوب دیکھو آلِ یعقوب کیا ہے یہ نہیں کیا میرے حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام بچ حضرت یعقوب بھی آ گئے لیکن اپنا میں کر کے نام نہیں لیا آلِ یعقوب کہتا گل بھی آپ کر دے پہنے اللہ اکبر اللہ اے جے نبیاں دی عظمت نبیاں دی متانت اے جے نبیاں دا دھیما پن اے جے اللہ دے سامنے مٹنا تے عاجزی کرنا کہندے نے بیٹا اے اللہ کریم اپنی نعمت نو پورا فرمائے گا جس طریقے نال آلِ یعقوب تے اور جناب جویں ہاں جی آلِ ابوئی کا تیرے اباؤ اجداد تے باپ آبر نا آلِ ابوئی کا تیرے باپ تے من قبل ابرا ابراہیم و اسحاق جویں جناب اللہ کریم نے اے نعمتاں عطا فرمائیاں ابراہیم اور اسحاق نو ربک علیم الحکیم بے شک تیرا رب بہت زیادہ جاننے والا حکمت والا ہے لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا وہ سارے بھائیاں نے گل سن لی، کسے پاس وہ گل لیک ہو گئی، کہندے نے خواب آندے نے، ہاں خواب آندے نے، ہاں جی ذیل بنایا، ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਬਸ਼ਵਰੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਯੂਸੁਫ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਬਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਹੱਬ ਇਲਾ ਅਬੀਨਾ ਮਿੰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਪ ਜਾਂ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਮਸਾਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਨੋਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ, ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਵਾਲਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਜੈਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਅਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਲਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹਸਤੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਜਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਯੂਸੁਫ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਹੱਬੁ ਇਲਾ ਅਬੀਨਾ ਮਿੰਨਾ ਵਾ ਨਹਨੁ ਉਸਬਾ, ਅਸੀਂ ਜੱਥਾ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇੰਨੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਾਨਾ ਲਫੀ ਵਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ, ਹਸਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਮਰਾਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਸਲ ਬਾਤ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਨਹਿਜ ਤੋਂ, ਅਸਲ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਕਤਲੂ ਯੂਸੁਫਾ ਅਬਿਤਰਾਹੂ ਅਰਦੈ ਅਖਲੁ ਲਕੁਮ ਵਜੂ ਅਬੀਕੁਮ ਵਤਕੂਨੂ ਮਿਨ ਬਅਦਿਹੀ ਕੌਮਨ ਸਾਲਿਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਜੰਗਲ ਰੋਈ ਵੀ ਆ ਬਾਣ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ, ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ, ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਅਮਲ ਬੁਰਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਰੂਲਾ ਹੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਕਹਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਪ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੰਝ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਰੋਈ ਵੀ ਆਪ ਜੰਗਲਾਂ ਛੱਡ ਆਓ, ਬਸ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ
है जी गुलाम बन जाएगा, कोई दरिंदे को चीर फाड़ करके खत्म कर देंगे। हाँ जनाब कहते ने बाद अंदर नेक बन जाएंगे। हाँ जी बाद अंदर असी नेक बन जाएंगे। लो बुरा काम करने तो बाद कहते ने नेक बन जाएंगे। नेक बनना तो हुणे बनो, क्यों जी पहले बनो ना नेक। ये क्यों है बुराइयां कर कर पता नहीं नेक बन की मोहलत मिलती है या नहीं मिलती। क्यों जी सुनिया नेक बन का इरादा तो चंगा पर मोहलत मिले तो है ना। पहले ए बुरा काम कर लो, ए गलती कर लो, ए गुनाह कर लो, तो बाद अंदर असी ना है जी नेक कौम बन जाएंगे। नेक कौम है जी नेक नेक बन जाएंगे। दसो अल्लाह दे बंदे हो, एक मिनट का पता नहीं है बुराई करने तो बाद अगर मौत आ जाए तो नेक बने पे ना फिर ते बन लिया। इस वास्ते जनाब कहंदे की ने इहो जिया गल्लां करदे ने आपस अंदर मीटिंग हुंदी पई है। قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب। कहंदे ने ना 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 इंज ना करो, यहूदा आखदा है या कोई होर भाई आखदा है, तफसीरां वालिआं ने लिखिआ है ना ना कतल ना करो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं, बल्कि किसे जनाब पुराने ते विराण कुए दे अंदर अंधे कुए दे अंदर फेंकाओ। यल तक्तु बाज़ु सय्यारति इन कुंतुम फाइलीन। कोई जनाब किधरे उठा करके ले जाएंगे, काफले आएंगे ना। अगर तुझी करना ही चाहते तो ये करो, बस मीटिंग करने दे बाद आ गए अपने अब्बे कोल। कन्हैया अबना मालका ला तअमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून। हाँ जी अबू जी की हो गया, साड़ी गल क्यों नहीं जे मनते यूसुफ दे बारे दे अंदर। यारी रोज गल छेड़ी रखते सन ना, हाँ जी जेल साजी की रखते सन। कहने अब्बा जी की हो गया साडे बाबा यूसुफ दे बारे अंदर, साडे ते यकीन क्यों नहीं जे कर दे। अल्लाह क्यों है इन्ना लहू लनासिहून, असी ओदी हिफाजत ओदे वा ओदे बड़े ही खैर खां खां। यानी पहले इन्ना भी आख्या फिर लाना से हून भी आख्या, जे कल्ला ही कह सकदे सना ना से हून असी ओदे खैर खां। यानी लाम सबर ला तकीद पैदा करके आख्या असी बड़े ही खैर खां खां। अल्लाह अकबर, जिहड़ा गल झूठ बोलता पिया हो ना पहले ही है जी पैर बन के गल करता है। क्यों जी वो पैर बनते पे ने पहले शुरू ची। हाँ जी कहंदे ने अरसिल गुमाना गदा यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफिज़ून। अबू जी भेज साडे नाल साडे भाई यूसुफ नु, चुप फिर आएगा, खा पी आएगा, खेल खेल कूद आएगा। जनाब असी एदी बड़ी चंगी तरह इबादत करने वाले हाँ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون। कहंदे ने बेटे ओ मैनू डर लगता है यूसुफ दे बारे च, मैनू गम खाए जा रहा है ओदा, मैं गम ओदा डर है मैनू यूसुफ दा हुजन दूसरे वास्ते, खौफ दा लफ्ज अपने वास्ते। मैनू यूसुफ दे बारे अंदर खौफ आ रहा है कि तुसी ले करके चले जाओ और निकलो निकलो तुसी किधरे दूर निकल जाओ, मेरे बेटे नू भगियाड़ ना खा जाए। भेड़िए बड़े ज्यादा रोई बियाबाना जंगल च रोज वाकयात ऐसे पेश आते रहते सन कि फलां बच्चा भेड़िया खा गया, फलां नू भेड़िए ने मार छड़िया। हां जी ये वाकयात आते रहते सन। हजरत से प्यारे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा दे रहे व अंतुम अनु गाफिलून, और तुसी इस बात तो गाफिल ही रहो। कहंदे ना ना अबू जी अगर साडे भाई नू भेड़िया खा जावे व नहनु सुबा, साड़िया जवानियां किस काम दियां,
ਅਸੀਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਜਵਾਨ ਆ, ਜੱਥਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ, ਫੌਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆ? ਇੰਨਾ ਇਜ਼ਲਾ ਖਾਸਿਰੂਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਡੀ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੱਖ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਲੰਮਾ ਜ਼ਅਬੂ ਬਿਹੀ ਵਾ ਅਜਮਾਊ ਵਈ ਅਜਾਲੂ ਫੀ ਗਿਆਬਤਿਲ ਜੁਬ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਕੂਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਯੂਸੁਫ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈ। ਫਲਮ ਫਲਮ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਹੈਨਾ ਇਲੈਹਿ ਲਤੁਲਬਿਯਨਹੁਮ ਬਿਅਮਰਿਹਿਮ ਹਾਜ਼ਾ ਵਹੁਮ ਲਾ ਯਸ਼ਉਰੂਨ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸੋਹਣਿਆ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ, ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਤਲਾਣੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਜਾਊ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਵਜਾਊ ਅਬਾਹੁਮ ਇਸ਼ਾਅਬਕੂਲ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਮਗਰ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਓਲੇ ਚ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੋਂਦੇ ਆਏ, ਕੁਰਲਾਂਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਖਾ ਗਿਆ ਏ। ਅੰਤ ਬਿਮੁਮਿਨਿਲਨਾ ਵਲਉ ਕੁੰਨਾ ਸਾਦਿਕੀਨ। ਅੱਬੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹੋਈਏ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਉਹ 3500 ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਭਗਿਆੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਭਗਿਆੜ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਏਡੇ ਚਲਾਕ, ਏਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਏਡੇ ਫਰਾਡੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਰ ਛਾਤਰ ਹੁੰਦੇ, ਚਲਾਕ ਮੱਕਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਫਰਾਡੀਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 3500 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਝੂਠ ਘੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਵੇਖੋ ਲੈਣਾ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹ, ਸੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੇਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੇਹਨ 'ਚ ਅਸਲ ਮਾਨਾ ਜ਼ੇਹਨ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਡੀਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਫ਼, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਲੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਗਲਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਹਨ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਜੀ, ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਦੀ ਰਸਾਲਤ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ।
अल्लाह सादा बंदे सुनना क्या पता लग गया सीधे सादे बिल्कुल कोई उन्हें वाल्टेर नहीं सी ते बस ओ लेकर आ गई गल आ गई बस एक भाई दे ओ ज़हन च गल आ गई तो ओदे ते अमल करना शुरू कर दिता उन्होंने इधर वेखना जरा गौर ते फरमा दिया चला जाना इवें अल्लाह अल्लाह करीम ने इवें जे जबना दे पोल इंज खोले ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इवें जनाब कुर्ता पकड़ लिया कुर्ता लेके आए ना कुरान कहता है वजाऊ अला कमीसही बिदमिन कज़िब इवें झूठा खून लगा करके ले आए कुर्ता लबेड़ के ले आए हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे अब्बा जी हजरत याकूब ने कुर्ता लिया ते फोलना शुरू कर दिता उन्हूं इंज वेखदे ने इंज वेखदे ने आपस हौली हौली गल ओ पढ़ना भुल गए फाड़ना पोल वो फाड़े ही नहीं हो कुर्ता तो बिल्कुल सही सलामत है पोल खुल गया सड़ा अल्लाह आपस गल्ला कर दे मेरे हजरत याकूब अलैहि सलातो वसलाम गल समझ गए पैगंबर सुनना हुण पुत्रां नूं की कह सकते सन कि जी बराबर दे पुत्र उन्हां नूं गल तरीके नाल ही समझाई जाती गल समझ गया सदमा बड़ा आया कहने قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون कहंदे ने बारा फेल तू साडे कोलो करने दे विच आया ए पर नफसा खेर तू सानू होला कर दिखलाया कीती कर तू साओ जेड़ी नफस तू हाडे चाही देसी सबर जमील सानू खालिक पाक इलाही ए बगियाड़ तो साडे नालों निकलिया बहुत न्यारा कुर्ते दा बेअदब नहीं होया यूसुफ का गया सारा आला बल सवलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा فصبر الجميل والله المستعان على ما تصفون अदरत प्यारी अम्मी ऐशा ते मेरी तेरी अम्मी अम्मी ऐशा ते बोतान लगिया सही बुखारी शरीफ दी हदीस है बुखारी दी 2661 नंबर हदीस है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जौजा मोहतरमा ते बोतान लगिया अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते ने ऐशा इन अलमंति बिज़म्बिन फस्तग़फिरी मिनल्लाहि तआला ऐशा जे कोई गुनाह हो गया ते अपने रब को माफी मांगा हजरत ऐशा सिद्दीका इज मुठिया बंद करके कहदिया ने अंता या रसूल अल्लाह दे रसूल तुसी ये गल कर रहे हो अल्लाह के नातक वही हो सोनिया मैं गल कहां मैं का मेरे च गलती कमजोरी नहीं अल्लाह अकबर हुण गल जिवें मशहूर हो गई है सुनी नहीं जाएगी और कहंदियां की ले हां जी हजरत आयशा कहंदियां ने वल्लाहि ला अदली वलकुम मसलन इल्ला अबा यूसुफ अल्लाह अकबर अल्लाह कहंदियां ने मेरी गल ते यूसुफ दे अब्बे वाली गल ने हुण ते मैं ओही गल कर सकनी हां केड़ी गल यूसुफ दे अब्बे दी قال بل سولت لكم انفسكم امرا ان لوگاں نے اپے ہی گل بنا لئی اے دی گل تے کوئی نہیں لیکن میری تے گل یوسف دے ابے والی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون
सबरी है मेरा, यानी हजरत आयशा सिद्दीका नु इतना सदमा आया, हजरत याकूब अलैहि सलाम दा सदमे दी वजह करके नाम भी याद ना रहा। कहंदियां ने यूसुफ दे अब्बे वाली गल मेरी मिसाल ते ओही है ना, हुण मैं की कर सकनी आ। बल्कि अल्लाह ने फिर सूरह नूर दे अंदर अल्लाह ने 18 आयात अम्मी आयशा दी पाकीज़गी दे अंदर कुरान बना छड़ियां। ओ बात लंबी हो दूर निकल जाएगी, मैं ते अपना सूरह यूसुफ दा खुलासा बयान कर रहा। कहंदे ने फसबरुन जमील, बस सबर ही ना सा एवे जनाब गल करके चुप हो गए ने। एदे बाद वजात सयारतुन फअरसलु वारिदहुम फअदला दलवा, आए खूह दे अंदर सुट के चले गए ना। हुण आया एक काफला पानी लैण वास्ते गल्लिया ते उन्हें जाके डोल खूह दे अंदर डालिया। वो ते अंधेरा कुआं सी ना, मैं जन अंधा कुआं बे जनाब बे आबाद कुआं सी ना जनाब। इस वास्ते हजरत यूसुफ अलैहि सलातो सलाम जदो सुटिया गया है ना, अल्लाह दे फरिश्तियां ने अपने उपरां दे नाल उत्थे चट्टान दे उत्ते जा करके बिठा दिता है ना। कमाला ही हो गई। अल्लाह ने फरमाया सी मेरे यूसुफ हुण तू साडियां हिफाजतां दे अंदर है, सूरह यूसुफ दा दावा आन लग्या जी। ये दावा ये हुक्म अल्लाह सोने दा चलदा है फौरी तौर ते जनाब है जी। ये जिस वेले डोल डालिया हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे कोल डोल पहुंचिया, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ओदे विच बह गए। क्यों ही डोल खिचिया हजरत यूसुफ अलैहि सलाम चो बरामद, इतने सोने इतने प्यारे यूसुफ। फौरी तौर ते ओ बोलिया, डोल डोल कढ़ने वाला बोलिया, कहंदा या बुशरा आजा गुलाम, खुशखबरियां। ज्यादा वजात नहीं कर दे कि बुशरा और ना जो किसी बंदे का नाम सी, नहीं नहीं, खुशखबरियां हाजा गुलाम। ए वेखो गुलाम ना कितना प्यारा गुलाम मिल गया है। वह असरू भी ने माले तजारत समझ के ओनू छुपा लिया, लुका लेंदे ने तजारत, यानी सानू बहुत कुछ मिलेगा, बड़े पैसे मिल जाएंगे, गुलाम है ना बेचांगे पैसे कमावांगे, ये मुंह मंगी कीमत मिलेगी। अल्लाह अकबर। वकानू फी मिन ज़ाहिदीन, उलानू यूसुफ अलैहि सलाम दी कोई परवाह नहीं सी, इस तो जनाब बेपरवाह रहने वाले सन। वकाल लज़ी इश्तराहु मिन मिस्र लिम्रातिही अक्रिमी मस्वा, जिस बंदे ने खरीदया ना वो अजीजे मिसर सी। उस्ताद जी ते अपने रंग नाल गल्ला करदे ने, असी अपने नालेज मुताले नाल करनी बात है। उस्ताद जी कहंदे हुंदे ने इत्थे आण के कि वेख्या ना जिदे सुलेखा ने जिसले नाल सी जद गुलाम लैणा सी, बस वेख्या ते डुल गई उस वेले, कहंदी इहो ही लैणा है इहो ही लैणा है। कारी साहब इत्थे चंगे 15-20 मिनट अद्धा घंटा लांदे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। बरका जिहड़ा खरीदण वाला अज़ीज़े मिस्र, यानी वज़ीरे आज़म समझ लो मिसाल, ओदे दे इतबार नाल वज़ीरे आज़म ए बादशाह होर सी, अगो वज़ारतां मुख्तलिफ वज़ारतां उन्हें तकसीम कीतियां हुईयां। जनाब ये कहंदा है अपनी बीवी नू, कहंदा अक्रिमी मसवा, एदी इज्जत करनी है, असा अन्फाना औनतखिज़हू वलदा, ये सानू फायदा देगा या असी अपने नू बेटा ही बना लांगे। ये अज़ीज़े मिस्र भी बे औलाद है, औलाद नहीं है कोले, कहंदा सी अपना इन बेटा बना लवांगे। वकदालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज, अल्लाह करीम फरमा दे इस तरह
असी उते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू मजबूत ठिकाना आता फरमाया, रहण दी जगह टोर दी दे छड़ी अल्लाह करीब ने। हुण मौजा करो मेरे यूसुफ। अल्लाहु अकबर। वालिम अल्लिमहु मिन तअवील अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिहि वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये तुहानू ख्वाबां दी तबीर भी सिखा छड़ी है। अल्लाह अपने मामलियां ते गालिब है, लेकिन अक्सर लोग इन्हू नहीं जानते। हजरत या हजरत प्यारे यूसुफ अलैहि सलाम जदों जनाब लड़क बलंदर जवानी आले पासे आ रहे ने, अल्लाह फरमाते ने आतैनाहु हुक्मा व इल्मा, उन्होंने फैसले की ताकत इलम भी दे छड़िया। आकार बाज कहंदे ने नबूवत वाला इलम, फैसले की ताकत बाज कहंदे ने नबूवत तो कबल जड़ी इंसान अंदर फरासत जो होया कर दिए, समझ और दानाई होया कर दिए। अल्लाह ने वो ता फरमा छड़ी, यानी जवान हुंदे गए अल्लाह करीम ने सब तो बेहतरीन मानाए बनदा, क्यों जो अगलियां ऐतां दस रहीआं ने कि अल्लाह करीम ने बस जवान हुंदे गए समझदारी दी उम्र नूं पहुंच दे गए, ते अल्लाह ने हुक्म नबूवत अता फरमा छड़ी, फैसले दी ताकत अता फरमा छड़ी, वा इल्मा और इल्म भी नबूवत वाला अताई इल्म अता फरमा छड़िया। वाबी 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 इल्म अल्लाह ने अता फरमा छड़िया है। इस वास्ते जनाब अल्लाह सोने ने इस बात नूं वाज़े फरमाया है। हुण जनाब जवान होए ने ना इधरों वदत उल्लती हुआ फी बैती नफ्सी, जिस दे घर अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम रहंदे सन रिहायश पजीर सन, ओ ज़लैखा उहदा नां दसदे ने इमरातुल अजीज, यानी अजीज़े मिस्र दी बीवी, कोई तो ना होएगा ना, चलो ज़लैखा नहीं तो होर सही, यानी जेड़ा भी ना ज़लैखा ना अक्सर बोलिया जांदा है। ओ जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अपनी तरफ मायल करने की कोशिश करती रही, हाँ जी फुसलांदी रही बहलांदी रही अपनी तरफ मायल करने दिया कोशिशां करती रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं परवाह ही कोई नहीं, परवाह नहीं। इसे एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर खाना खान वाल खांड खान दे बाने अंदर एक कमरे दे अंदर कोठी दे अंदर और कमरा दे अंदर और कमरा, मुफस्सरीन लिख दे रहे यानी तीन नालों तो ज्यादा, वो जनाब कमरे कुरान भी कहंदा है तीन नालों ज्यादा दरवाजे बंद किए, यानी तीन या तीन नालों ज्यादा जमा दा जो सीगा बोले है। ये जी मुफस्सरीन कहंदे ने सत्तां कोठड़ियां दे अंदर सत्तां कमरिया दे अंदर ले गई, जितों लंघदी है दरवाजा बंद कर देंदी है ताला लगा देंदी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं पता ही नहीं सी, निकले टुरे, कोई ज़हन च ख्याल होवे ते हो जा पता होवे ना, दिल च कोई ख्याल ही नहीं बुरा, इवें टुरे जा रहे ने ताले लंघदी जा रही है, सत्तां कोठड़ियां दे अंदर बंद सत ताले लाए। और जनाब कुरान कहंदा है गल्लकतिल अबवाब, यानी ताले बंद कर दिए ज़ुलैखा, बंद करे ते दरवाजे कई दरवाजे, जदो खुले ते वस्तबा कलबाब, खुले ते इको दरवाजा, ज़ुलैखा कईयां वाली ओदे कई दरवाजे, यूसुफ इको वाला ओदा इको दरवाजा। क्यों जी है जी अल्लाह वालियां दियां दास्ताना, जी 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 ये दरवाजे बंद कर देंदी है। दरवाजे बंद करन तो बाद बगैर वेखे पुछे बगैर सोचे समझे प्रोग्राम ते पहले बनाए हुए सन मुत्तां दे उन्हें, जनाब अल्लाहु अकबर कहंदी है कालत तलक, मैं जान बुझ के वाओ नहीं पढ़ी है, लेकिन वाओ जे वाओ इत्थे दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दियां गल्लां च वाओ नहीं। बस मैं इन्ना समझाना चाहना आम जहा, मैं अवामी खतीब हाँ, बहुत वड्डी इल्मी बात नूं मैं आम फहम अंदर आम फहम अंदाज समझाण दी अल्लाह करीम दी तौफीक नाल इस्तताअत रखना, बात समझ आ जाती बंदे नूं। वेखो इत्थे वाओ क्यों आई है बार बार, है जी ज़ुलैखा दी गल्लां च
वेखो पिछे पूरी दास्तान है, वाओ दस दी है कि पिछे पिछे पूरी दास्तान आ रही है, पूरा प्लान आ रहा है, पूरी चेन चलती पई है, सारे पता नहीं कदों की शुरू हुई है, क्यों जी कदों की खुआंदी पिलांदी कदों दे है जी इरादे गलत लई फिरदी है जी ज़लेखा गलत इरादे इस वास्ते दरवेखो ना शुरू ची ये बात आई ना वरावा दत बाओ शुरू च हालांकि कुरान पाक दी आयत शुरू हुंदी पई थे शुरू ची बाओ आ गई वरावा दत उल्लाती हुआ फी बैतिहा नफसी व गल्लकतिल अबवाब व कालत हैत लक इथे वाओ आई है यानी पूरे पिछे पूरी दास्तान वाओ दस दी अर्जुमले तो बाद पिछे कोई कहानी मौजूद है। हां जी कहंदी है यूसुफ मेरे बाला इधर आ मेरे वाल। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम समझ गए गल समझ आ गई कि मैं ना समझ आवे उन्हें ते मुंह फाड़ के बेहया औरत ने बेहयाई दी तरफ बुलाना शुरू कर दिता मुंह फाड़ के कह दिता सीधा सीधा कोई ले तो लाव नहीं। कहंदी है तलक वे यूसुफ मेरे वाल तक। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहते होंगे वे कमली इनकारा ते गंदी ज़लेखा मैं ते अपने अरशा वाले वाले रब वल तकिया होया है उधर तक लिया मैं किसे पासे और की तकना है। हाँ जी उससे पहले फौरन बोले उन्हें आख्या कालत गई तलाक। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के काल इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय इन्नहु तीन जुमले तिना च वाओ नहीं जाए ये पहले प्लान नहीं ना बनाया सी को कहानी नहीं सी फिर बदी निकले ने अंदरों जुमले निकले अल्लाह अकबर अल्लाह यदि मैं अगे भी वजात करांगा अगली आयत अंदर इधर देखना कहंदे ने काल माजल्ला दुहाई दुहाई अल्लाह दी पना अल्लाह दी पना माजल्ला इन्नहु रब्बी अहसन मसवाय ओ मेरा रब जिन्हें मैनू इतना सोना ठिकाना ता फरमाया कुआं चो कढ़ के तख्ता ते बिठा छड़े आए इतनी प्यारी जगह दीती है बादशाहां दे घर दे छड़े ने इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून ज़ियातियां करने वाले ना इंसाफियां करने वाले कदी कामयाब नहीं जे होया कर दे। वेखो तेनु जुमले बोले ने कहंदे ने मेरे अल्लाह ने मेरे ते एहसान ही इतने कीते ने मैं ओदे तो किवें ना डरा। कहंदे ने माज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मसवा إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ أَقْلِيَ تَنَّرْ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ इथे अजब किस्म का अल्लाह ने अंदाज अख्तियार किया तुसी हैरान रह जाओगे। इथे तर्जमा किया जाता है जेड़ा मैं सही तर्जमा पहले तो ही कर देवा। हाँ जी जनाब ये ज़ुलैखा सी जड़ी वाला कद हम्मत बिगी ये वाओ भी आई है लाम भी आया ते कद भी आया यानी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे नाल हम्मा बिहा आया ते उते वाला कद नहीं आया लाम और कद नहीं आया यानी एदा मतलब बनता है ज़ुलैखा इरादा कर चुकी सी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम भी इरादा कर लेंदे लौला अर्रा बुरहाना रब्बी अगर रब दी तरफो दलील ना जांदी दलील की है अगर नबी ना हुंदे ऐ जे नबूवत ओ मैं दस्या सी ना मैं अगे चल के दसांगा एदे तो मुराद नबुवत है। अल्लाह ने हुक्म हुक्म और इल्म अता फरमाया नबुवत वाला सी ना अगर दलील ना जानती
एक ए बात दूसरा ए इल्हाम भी अल्लाह अपने नबियां नूं अता फरमांदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे दिल अंदर अल्लाह करीम ने अलका फरमाया, सोने यूसुफ तू नबी नबी अंतल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, यूसुफ तू नबी तेरा बाबा नबी तेरा दादा नबी, किते नबियां वाली नबूवत वाली चिट्टी चादर नूं दागदार ना कर देवी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इरादा कर लेंदे अगर दलील ना आ जांदी, कज़ाली कली नसरी बन हुसू अवल बादशाह। अल्लाह कहंदे ने इस तरह सी बुराइयां और बेहयाइयां तो बचाने आ, इल्लाहु मिन इबादिनल मुखलसीन, क्यों जो मेरा यूसुफ ते चुने गए मुखलिस बंदियां विचों सी, यानी इत्थों भी नबूवत दी दलील सामने आ रही। कई कहंदे ने जी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी इरादा कर लिया, हालांकि माना गलत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हम्मा भी हा उसके साथ इरादा कर लिया है जी, इरादा चलो इरादा ही। एक बंदा कहता जिद कर जाता है, कहता है माना इरादा ही मैं करना है कि इरादा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। हाँ हाँ अगर इरादा कर लै तो ये माना कर जुलैखा ने बुराई बुराई का इरादा कर लिया, जुलैखा ने बुराई करने का इरादा कर लिया, हजरत यूसुफ ने बुराई तो बचने का इरादा कर लिया। ओ अपने इरादे ते डटी रही, हजरत यूसुफ अपने इरादे ते डटे रहे। अगर इरादा कर लिया सी ते पिछली आयत मैं दस्या सी ना मैं पिछे आवांगा एक बारी, ते फिर गल सुन दे ही फौरन काला महाज अल्लाह क्यों क्या क्यों जी, बस मैं जवाब दे दे जिहड़ा कहंदा इरादा कर लिया सी, क्यों जनाब? अते फिर वो ते कहण दी लोड़ ही नहीं सी, वो क्या दे दा मतलब इरादा अगर इरादा कर लिया सी ते काला माज अल्लाह कहने की लोड़ नहीं सी। हां हां जुलैखा ने इरादा कर लिया, यूसुफ अलैहि सलाम भी इरादा कर लेंदे, बुरहान रब्बी अगर अल्लाह की तरफ बुरहान ना आ जाती। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम एक होर मंत्र वेखते ने, जुलैखा जदों बुराई की दावत देने लगी है जाती है अपने खुदावां से जिन्हों की पूजा पाठ करती थी उन्हां ते कपड़ा पाती पई है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहते ने अम्मी की कर लगी है, मां जो बनी सी क्यों जी, पुत्र बनाया सी ना अजीजे मिसर ने, अजीजे मिसर दी घर वाली फिर मां ही वही ना। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ते अंदरों खालिस ते मुखलिस ना, कहंदे ने अम्मी एक ही कर लगी है, जल्दी नाल मुंह ते हाथ रख लैंदी है, कहंदी है वे यूसुफ मैनू अम्मी नाख जिंदगी ते उतर आई है, वहशत ते उतर आई है, बेहयाई ते उतर आई है, कहंदी है मैनू अम्मी नाख बुराई दी दावा देंदी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इत्थे कमाल गल कोई है ना, अल्लाह करीम नूं अर्ज करदे ने अल्लाह जी जावां ते जावां केड़े पासे, माज अल्लाह ते कह चुके इन्नहु रब्बी अहसन मसवाज कह चुके, इन्नहु ला युफलिहु ज़ालिमून कह चुके, और इन्नहु ला अर्रा बुरहान रब्बी दलील आ चुकियां। अल्लाह मदद तेरे कोलो मंगी है बुराई तो बचन दी, अल्लाह जावां ते जावां केड़े पासे। अल्लाह फरमाया मेरे मेरे प्यारे यूसुफ दौड़ दौड़ ते सही, अल्लाह दौड़ के जावांगा किथे? अल्लाह फरमाया दौड़ना तेरा कम बचा लेना मैं अरशां वाले रब दा कम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह दी तरफो बाद इल्हाम होइए ते दौड़े दौड़े दौड़े, जुलैखा भी दौड़ी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे ढिल नाल दौड़ रहे ने, पूरी ताकत नाल दौड़दे पए ने, जुलैखा भी पूरे जतन नाल दौड़दी पई है। बाहर दरवाजे के करीब इंज पहुंचे ते हाथ कुर्ते नूं पैंदा चला गया, कुर्ता फटदा चला गया। अगर एक फीसद भी लचक होंदी मेरे प्यारे सोने यूसुफ दे अंदर, ते जिवें हाथ पिया सी कुर्ता फटदा ना रुकना पैंदा।
एक फीसद भी माड़ा जा आहिस्ता होंगे ना या ताकत घट लाते दौड़न तो माड़ा जा मैल होंगी क्यों जी एक फीसद भी तो रुकना पैंदा कुर्ता फड़िया सी ना उन्हें पिछों यानी रुक रुक ला सके कुर्ता फड़दा चला गया अल्लाह अकबर जो ही जना दरवाजे की तरह लपके अल्लाह ने फरमाया वस्तबकल्ब अल्लाह ने सारे दरवाजे तोड़ मरोड़ करके एको दरवाजा बना छड़िया है वक़दत कमीज़ु मिल दुबुरी व अल्फया सय्यदा गलदल बाब जनाब कमीज फट गया पिछले पिछले पासों कमीज फट गया और जनाब अचानक दरवाजे तो बाहर खमीन वाली बात वेख्या ते सय्यदा हा ओदा सिरदा साईं क्यों जी सय्यदा हा इते सय्यद अबू बकर सदीक है बोलन दा अंदाज प्रोफेसर ते लेक्चरर कारी साहब संभाले नहीं जाते अल्लाह की कसम वेखो हालांकि सब असी अपनी गलती मान लेने आ मेरा बेटा कारी यूसुफ मैं एक तकरीर करन लग्या 27वीं रात नू ते इन्हें तकरीर शुरू कर दी बंदे फोन कर रहे ने कारी साहब थोड़ा जा ठहरो ठहरो अजे त्रावियां खत्म नहीं होईयां ते असी आने आ ते बेटे ने मोहब्बत रसूल ते तकरीर शुरू कर दी असी उस तकरीर तो पहले अज तक मैं मीम ते पेश ही बोलता रहा गलती सी ना मेरी जिवें मुआशरे च बोलिया जांदा मैं भी बोलता रहा गौर ही नहीं कीता क्यों जी गौर करना चाहिए जदों कोई दस देवे तो मनना भी चाहिए क्यों जी अपनी सलाह कर लेनी चाहिए ते बेटे ने पांच सात दस वेरी मोहब्बत रसूल मीम ते पे जबर पड़ी मैं बाद च आख्या मैं बेटा तुसी गलत पढ़ते रहे हो इत मोहब्बत रसूल मीम ते पेश पढ़नी तुसी जबर पढ़ते रहे कहते अबू जी अलकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी लो हुण कुरान पाक दी आयत पढ़ती बेटे ने क्यों जी मीम ते जबर आ गई ना बस उत्थे ही हाथ हथियार सुट दे क्यों जी उस दिन तो बाद बड़ी मुश्किल नाल मैं कितने कितने दिन ला के ए जरानी लफ्ज जड़ा जबान ते गलत चढ़े आया सी मुहब्बत मुहब्बत उन मैं बड़ी मुश्किल नाल सिद्धा कीता मोहब्बत रसूल है अल्लाह अकबर ऐ जे इस्लाह अपनी इस्लाह कर सोनिया सय्यद सय्यद सय्यदा आयशा सय्यदा फातिमा सय्यदीना अबू बकर सिद्दीक हैं सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक बंदा पता ही इन्ना लगता है खुदा की कसम मैं हैरान हाँ यो जे प्रोफेसर तो पढ़िया तो वो चलो यार अल्लाह अकबर लाला है जी लफ्ज आ जड़ा मुख्तसर लोग बोलते हैं हालांकि मुख्तसर है बड़ा ही वड्डा जल आलम दीन मैं आखा जी मैं क्या तो उन्हें कहना जी कारी साहब अल्लाह तालिब इलम जा होके तो गलतियां मेरिया पे कट दे जिद च ना जाए मैं उन्होंने एक बहुत बड़े चाण आए बड़े प्यार आए मैं क्या क्या बंदा बड़ा वड्डा है मुनाजर किस्म का आदमी है तो जे मुनाजरे च किसी ने लफज ही फड़ लिया ना उत्थे साढ़े मसलक की इंसल्ट होएगी सलाह कर दे बाहर दी बाहर ही मेरा ना दसी मुख्तसर ठीक है ना जी हाँ जी गल भी फिर मुख्तसर करनी पैनी हुण तुसी थक गए हो ना अजे नहीं थके मैं लगता थक गए हो गल तुहाडी कहानी मुक गई है अरसलान बेचारा बीमार होने के बावजूद पहुंच गया इंज मुस्कुरांदा चेहरा खिड़िया चेहरा माशाला इंज बैठा शाश बशाश विच बंदे माड़े जे ढिले ढिले लगते ने अगर ढिले लगते हो ना तो बस मैं एक अद्धी बारी होर पुछांगा तो फिर जे तुसी क्या ना बस अगो जवाब सही ना आया तो मैं उस वेले समझ जाऊंगा तो अर्जेंट ए बी एस ब्रेक लग जानी है और अचानक ही ब्रेक लग जानी है इधर वेख्या जे पूरा मुकम्मल होवे ना होवे इधर वेखना जरा हुण गल समझिया जे जरा गौर नाल बात नूं समझिया जे जनाब इवें दरवाजे दे कोल पहुंचे तो जनाब वेख्या तो ओहदा सरदा साईं अजीज़े मिसर भी उत्थे दरवाजे ते मौजूद है वेख्या आला के पिछे लगी होई दौड़दी आंदी है वेखोने भी लिया ये भज्जिया दी हल्की होई भी हल्की समझदे हो ना हल्की वही पई है जनाब दौड़ी आंदी है पिछे हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नु अगे दौड़दे नु वेख लिया ओनू पिछे दौड़दी नु आ करके वेख लिया सब कुछ वेखण दे बावजूद जनाब कहंदी की है
देखो यकदम ही पैंतरा बदलिया कहंदी कालत मा जज़ाउ मन अराद बी अहली का सुअन इल्ला अयुसजन औ अज़ाब अलीम। ये जेड़ा तेरे घर नु ही पै जावे घर दे बारे च बुरा सोचे ओदी की सजा होनी चाहिदी है, नाल ही कहंदी है ओनू जेल च जाना चाहिदा है या सख्त सजा देनी चाहिदी है। तेरे घर नु ही पै गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। वेखो मामला एक मिनट सेकंड पहले कुछ सी सेकंड चंद सेकंड गुजरन तो बाद वेखो अदल बदल हो गया हंडी उतली मच गई। यानी वेखो इतना पैंतरा बदलिया हां जी फौरी बदल के कहंदी है हां जी जनाब हां जी قال هي راودتني عن نفسي। सच्चा हुंदा ते थोड़ी जी गल करदा हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहे ने आप ही सारे आप ही काम किते ने मेरा दे कोई अमल नहीं ते घर दा ही कोई बंदा बोलिया। मुख्तसर गल करिए कि जनाब देखो कमीज अगर जनाब अगो फटे आए ते फिर जुलैखा सच्ची ते यूसुफ झूठा, अगर कमीज पिछो फटे आए ते यूसुफ सच्चा ते जुलैखा झूठी। हालांकि जेड़ा जेदे नाल ज्यादती हुई होवे ना शामले तफ्तीश ओनू बनाया जांदा, गल समझ शामले तफ्तीश ओनू बनाया जांदा है। ते ए ज्यादती ज्यादती यानी अगर होई हुंदी ओ जुलैखा नाल फिर शामले तफ्तीश ओनू बनाना सी, जुलैखा दी गल करदा ना ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नू तफ्तीश वास्ते, इहदा मतलब है ओ जुलैखा दा हमैती सी। उत्थे यूसुफ अलैहि सलाम दा अल्लाह तो अलावा कौन सी, अल्लाह तो अलावा कोई उन्हां दा हमैती नहीं सी। इस वास्ते कुरान दा अंदाज दसदा है, अल्फाज दसदे ने कि वह जिहड़ा घर दे विचों ही जिहड़ा बंदा बोलिया ना वह जुलैखा दा हमैती सी कि यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम नू शामले तफ्तीश बना दे पहले कि इहदा वेखो इहनू बने वेखो। क्यों जी आसार ते वेखणे चाहीदे सन, जिहदे नाल ज्यादती होई हुंदी है उहदे ते ज्यादती दे आसार वेखणे चाहीदे ने। क्यों जी हां इस वास्ते जनाब वेखिया ते कमीज पिछों फटिया होया फौरी तौर ते समझ गया, दो टोक अल्फाज अंदर कहन लग्या अज़ीज़े मिसर कहंदा قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم। ये तुहाडे ये तेरा ही मकर है, औरतां दे मकर बड़े ज्यादा होया करदे ने। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बन्ने मुंह कीता होया कहंदा यूसुफ अरज़ अन आज़ा, यूसुफ इस गल नूं जानी दे मट्टी पा छड़, इस गल नूं दबा दे। मैं अगे आखिर तक चल के बयान करां ते दसांगा कि जनाब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने अपनी अपने जनाब उस मालिक जिहदे घर रहिंदे सन जिहदा खांदे पींदे सन उन्हां दी गल ते कितना पहरा दित्ता, कदी साह ही नहीं उचालिया, गल कढ़ी ही नहीं मूंह चों, इस गल की गल छेड़िया भी नहीं गा। सुभान अल्लाह, जो बंदा सच्चा हो जगह जगह से मारदा फिरदा है कर लिया मेरा कुछ बगाड़ लिया है फलां जनाब मेरे ते इल्जाम लाया, वेखो झूठा साबित हो गया, जगह जगह से बयान करता फिरदा। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने जो उन्हें कहा ना अरज़ अन हाज़ा, हुण इत्थे एक नुक्ता कुरान ने बयान किया है, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम वल मुंह किया होया है जिहड़ा लफ्ज़ बोलदा है ना, हालांकि होना ते चाहिदा सी जदों दा जुर्म साबित हो गया सी, मार मार करके जमाने दी गंदी ते कंजरी पाशा औरत दी हड्डी पसली इक कर देंदा। अगर गैरत होंदी ना वो दयूस आदमी, ए इतने इतने बड़े लोग अक्सर उन्हां दी गैरत खत्म हो जाती है, ये दयूसी ते उतर आंदे ने उन्हूं गैरत ही नहीं आई चवल नूं, उहदे बन्ने अपनी बीवी बन्ने मूंह करके गल करन दी जुरत भी नहीं, गल उधर नूं मूंह करके कर, क्यों जी जिहदी गलती है उहदे उहदे चबाड़े सेक, क्यों जी उहदे उहदे जनाब उहदी हड्डी पसली एक कर दे, पता लगे तू भी गैरत तेरे अंदर हैगी है, तू भी कोई बाबकार इंसान है गैरत वाला। वो एडा दयूस किस्म दा बंदा वो अपनी बीवी बन्ने मूंह भी करन जोगा नहीं, उन्हूं पता सी जे मूंह कीता ना एडी डाढ़ी है थप्पड़ आएगा उहदे मारन दी बजाए इहदे वल आएगा, अज़ीज़े मिसर वल एडा रन मुरीद
अल्लाह दी पनाह, अल्लाह दी पनाह। है जी ऐसा ऐसा रन मुदी मुरीद दुनिया च नहीं वेख्या जिहो जे अज़ीज़े मिस्र सी उधर मुंह ना कीता गया। अल्लाह अकबर अल्लाह। मुंह हजरत यूसुफ अलैहि सलाम वाल कीता होया, कहंदा है ये जेड़े औरतां दे मकर ने ये बड़े ज्यादा होया करदे ने। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु कहंदे ने फरवंत कहंदे ने यूसुफ आरिज अन हाजा वस्तगफिर लज़म्बी की। यूसुफ इस गल नु जान दे, दिल दिल अंदर मुंह नहीं उधर कर दे। वस्तगफिर लज़म्बी की ज़ुलैखा तू अपने गुनाह दी माफी मांग। माफी क्यों मंगे इतना तो बगैर माफी मंगने वाली भला है। वेखो ना माफी मांग मुंह इधर नु कीता होया इसने। हां जी कहंदा वस्तगफिर लज़म्बी की इन्नक कुंती मिनल खातील। कहंदा तू अपने गुनाह दी माफी मांग, तू ही गलती दे उत्ते। जे ओदा इलाज किया हों ना तो अगली गल किवें आती। वो एडी थार्टी वाले उन्हें माफी की मंगनी सी। वो मशहूर हो गई गल, गल निकलती निकलती मिस्र दियां कराड़ियां च पहुंच गई पूरी गैंग। ये गैंग सी पूरी, ये गंदियां औरतां दा एक पूरा ग्रोह सी, ये सारे ग्रोह की सरगना सी, सारे गुनों की वड्डी। हाँ जी जी जी। हाँ जी इत्थे वेखो कुरान कहंदा है वकाला निस्वतुल फिल मदीना तिमरातुल अजीज तुरावितु फतागा अल नफसी। हर जगह ते औरतां च गल हुल गई। वेखो री हा री हा ए ए ए किहो जी ज़ुलैखा। ओ खतूनी अव्वल हो गई नहीं समझते, खतूने अव्वल हो के ते फिर दी किन्ना नाल है। है जी फिर दी किन्ना नाल है ते गल किवें कर ते फिर अपने को जोड़दा हाणदा लभदी अपने गुलाम ते नौकर ते डुल गई। ऐ जे तर्जमा सही तर्जमा। है जी हां हां ते इनू इनू शर्म ही नहीं आई किसे अपने बराबर का कोई शहजादा लभदी। क्यों जी है वेखो अपने गुलाम ते घर गुलाम लिया खरीद के ते गुलाम ते ही डुली पई है। हे अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहंदियां ने इन्ना लराखा फी ज़लाल मुबीन। इनू ते असी बड़ी बैकी हुई शुमार करनियां, ये रस्ते तो हिल गई है। ये नहीं उन्होंने आख्या ये बुरा काम कीता है, गुनाह दी जना दी बुराई दी गल नहीं कीती क्यों जो सारियां इंज दियां सन। अल्लाह माफ करे गल बिल्कुल हकीकत जे मैं गल कोलो नहीं कर रहा। उन्होंने आख्या जना करना उन्होंने नजदीक बुराई नहीं सी। उन्होंने नहीं आख्या कि जना क्यों करने वास्ते तैयार हुई। उन्हें आख्या एक कर दी ते किसे अपने जोड़ दे हाण दे ना किसे शहजादे नाल। हां जी ओदे ते डुल दी ए गुलाम ते डुल गई। गल सिर्फ इन्नी सी ओनू जना पता लग्या। हुण ज़ुलैखा नू देखो ए माफी मंगी पई है। माफी माफी उन्हें क्या माफी मांग ओ माफी बुथाड़ इधर नू करके माफी ओदे तो मंगांदा पिया। ओदा बुथाड़ ओ कहंदा हुंदा ना मौली मौलाना अलामा सईद अहमद मुल्तानी अगे एक बंदा इधर नू वेखे पिया के बुथाड़ मेरे हल कर। हां जी उन्हें कहंदा बुथाड़ मेरे हल कर। वो असी कहने सुने इधर वेख और सुने अपना चेहरा मुबारक इधर कर क्यों जी साडा अंदाज साडा उन्हां दा उन्हां नाल क्यों जी हर कोई अपनी अपनी बोलदा। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। तकालत खुरुज अलैहिन उन्हें सुनिया ना इन्हां दियां गल्लां मिस्र दियां कराड़ियां दियां। उन्हें तो मकर दा लफ्ज बोलिया ना। हाँ जी इन्हां मकारनियां दियां गल्लां। हाँ जी यानी ये ना कुरान कहंदा उन्हें जदों सुनिया ना गल्लां उन्हें उन्हां नूं पैगाम खलाया तुहाडी दावत ते मेरे कोल। दावत लियाण के किन्नी दित्ती होनी है। हाँ जी वेखो अल्लाह किन्ना फरमा बरदार है अज़ीज़े मिस्र। गल कर दी जुरत नहीं पई उन्हें कहा दावत करनी है सहेलियां दी अपनी सरगना गैंग पूरे दी है दावत। उन्हें कहा बिस्मिल्लाह तेनू खुश रखना है बादशाह। है जी खुश रखना चाहिए बस। अल्लाह अकबर अल्लाह जी जी मैं तो खुश ही बड़ा।
अल्लाह अकबर, वो मिसाल लग गए दूर ना निकल जाए बात है जी। मैं ये मिसाल दिंदा नहीं है, चलते चलते कोई गल हो जाती है समझाने वास्ते खिताबत का हिस्सा होंदिया ने, कोई महसूस ना करे इस बात को, उन्होंने जनाब पता लग गया उन्होंने सारे सारिया गलों का पता लग गया, उन्हें जनाब दावत का पैगाम गलाया सारिया औरत आईया, इन्होंने सामने फ्रूट रख दिते गए, कली कली छुरी पकड़ा दी गई, छुरियां पकड़ा दी गई। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु ज़लीखा कहती है قالت خروج عليه निकल इन्ना बिना दे सामने ते दरिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम गुलामी दी जिंदगी जो बसर कर रहे सन, उन्होंने निकलना पिया उधर जू ही सामने आए, बस नजर पईयां फ्रूट कटदियां पईयां ने, नजर पईयां ते ओ जनाब मिस्र दियां कराड़ियां बरल गईयां, बरल गईयां मिस्र दियां कराड़ियां। यूसुफ अलैहि सलाम नु वेखिया ते महूत हो गईयां, होशो आवाज गुम हो गए। कुरान कहंदा वलम्मा रईनाहु अकबरनाहु वक़त्तअना अयदीहु, जूई वेख दिया गईयां ते कहंदियां ने अल्लाहु अकबर, बड़ाई अल्लाह वास्ते अल्लाहु अकबर, बड़ी वड्डी गल है। और उन्होंने अपने हाथ कट लै कहंदियां ने अल्लाह वास्ते पाकी मां हाकुआ कुलना हाशा लिल्ला मां खाजा बशरा, ये ते बशर है ही नहीं, ये ते फरिश्ता है, ते फरिश्ता भी बड़ा ही इज्जत वाला, फरिश्ता बड़ी इज्जत वाला है। यानी गल हो की थी की मतलब कि इदे च बंदियां वाली गल होंदी ना, हैं ओ बंदा उन्हूं समझदिया सन जेड़ा जेड़ा बेशुतर मुहार जरा वाहियात हो बगैरत किस्म का, ओनू बंदा समझदिया जो आप जूझ दियां सन। उन्हें क्या ए नहीं बंदा लगता, ये बंदे वाली गल ही कोई नहीं, फरिश्ता लगता है, फरिश्ता भी बड़ा मुकर्रम। अल्लाह अकबर। हुण जिहड़े गल सारा हाल हवाल खून चलते पे ने, उन्हां दे जख्मी हो गई, उन्हां दे उंगलियां कटिया गई हैं जी, ते ए बोली कहंदियां कालत, अगे जदों भी बोलदी ते वा कालत आंदा है, इहदा मतलब ए प्लान तो अलग गल कीती है, उस मौके ते बोली है। अल्लाह कहंदी है कालत फज़ालिकुनल्लज़ी लुंतुन्नी फी, सुनो मेरी गल कहती है, ज़ुलैखा कहती है नी ओ होइए जेदे बारे तुसी मनु मलामत कर दिया सो, इतना हसीन ते इतना सोना, इतना कमाल, इतना बा कमाल, इतना बा जमाल वेखण तो बाद ते बंदा अपने आप च रह जावे ते फिर गल ही नहीं हो सकती, तुसी नहीं ना रह सकियां। हुण ओदी टौर बनी है, नाल वेख लो उस वेले भी कहती पई जे माफी मंगी होंदी वस्तगफिरी जंबी कि मैं माफी मंगी होंगी ते कदी ना ये गल कहंदी, कहंदी है सुन लो। हजरत यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम नु मुखातब करके कहंदी है, कहंदी वला कदरावतु अन्नफसी, मैनु पड़ागी अपने वास्ते फसलांदी रही, तैयार करती रही, इनू बहलांदी रही, फस्तासन फस्तासन ए पक्का रिया लोहा अपने इरादे दे अंदर, लोहा लोहा आयरन आयरन बने आ रहा, जर्रा बराबर लिया नहीं। ते हुण कहंदी वला इल्लम यफअल मा आमरुहु, जेड़ी गल मैं आखनी आ मेरी गल नहीं मनेगा, ला युज़्ज़नन्ना वला यकूलन मिनस सागिरीन वला यकूलन मिनस सागिरीन, या फिर जेल दे वास्ते पक्किए जेल भी जरूर जाएगा, बेइज्जती भी जरूर करवाएगा।
क्यों जी माफी मंगी होंगी तो यह गल कदी ना कर दी। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के बारे अंदर सारिया गलों वादे हो गई, ये बावजूद उन्होंने समझिया उधर जोर नहीं चलिया, जुलैखा ते जोर नहीं चलिया, कहते ने बस बेहतर है कि यूसुफ नही जेल खिला दो। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ही कहते सर ना अल्लाह जिस गल की तरह मेनू ये दावत देंदिया ने बुराई नालों मैनू जेल ज्यादा पसंद है, जेल च बुराई तो बच जावगा अलहदा हो जावगा, इन्हों दियां गल्लां तो दूर हो जावगा, जेल चले जाते हैं ना। हूँ जेल के अंदर दो कैदी और दाखल होए, वह दाखल माउस जिन्ना बताया दो कैदी और उन्हें दो कैदियों को ख्वाब आया, कहता जी ख्वाब यह है, एक कहता मैं अंगूर नचोड़ रहा, दूसरा कहता जी मेरे सिर से रोटियां ने ते परिंदे उन्होंने खा रहे हैं, परिंदे उचुक चुक के लैके जा रहे हैं, उचक रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया एक बंदा जिहड़ा अंगूर नचोड़दा पिया ना वह अपने ओहदे ते बहाल हो, उदा शराब तैयार करके देना अपने बादशाह नूं उहदी ड्यूटी सी, अपने ओहदे ते बहाल हो जाएगा ते जिहड़ा आ रोटियां सिर ते रखियां होईयां तो परिंदे उहनां नूं उचुक उचुक करके ले जा रहे ने, हां जी उचक रहे ने उह खा रहे ने, ते उह बंदा सूली लग जाए सूली ते चढ़ जाएगा। वह कहिंदे ने ख्वाब ते तैनूं आया ही नहीं, जिन्हें आख्या ना हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम फरमान लगे हुण फैसला हो चुके है। मैं तुहानूं दस्या सी ना ख्वाब बयान करन दे टाइम मैं दस्या सी ऐ खाना आन तो पहले पहले जिहड़ा खाना मिलदा सी ना कैदियां इहदे आन तो पहले मैं तुहानूं ख्वाबां दी ताबीर दस देंगा। ते जनाब नाल फरमाया सी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने ज़ालिकुमा मिन्ना अल्लमनी रब्बी, ए जड़ी मैं दुआ नू गल दसांगा ना ये मेरे रब ने मैनू दसी है, मतलब कि आम बंदे नू ख्वाब आवे आम बंदा ख्वाब दी तबीर करे उन्हें पुड़ली मारना ना कोई अंदाजा ही लाना है, सच्चा भी हो सकता है ते झूठा भी हो सकता है, उस बंदे दा अंदाजा ख्वाब दी तबीर बयान करने वाले दा है जी तबीर दसने वाले दा अंदाजा। ये ते कहंदे ने ये मेरे ते अल्लाह दी तरफ अल्लाह ने मैनू सिखाई है, ये दे अंदर गलती दा इस्तेमाल नहीं है, क्यों जो ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी ये मेरे रब ने मैनू दसी है, तो जब उन्होंने कहा ना सानू तो आया ही नहीं ख्वाब। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहते हैं फैसले हो चुके हैं, ये हुण इंज हो करके रहेगा आया क्यों नहीं आया, हुण तुसीं कहते मरण की वारी आई तो कहते ख्वाब आया ही नहीं, फांसी लगन की वारी आई तो बर कैफ उया। जिम्मे मुख्तसर गल करिए हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर देनी दसी सी ना उस तरह ही हुई, वह बहाल हो गया अपने ओहदे ते दूसरे नूं फांसी चढ़ा दिता गया है जी, उन्होंने जुर्म किया सी ना जेल च गए सन फैसला अदालत च लग्या फैसला उही होया जो ख्वाब की ताबीर दसी सी। ते हजरत यूसुफ अलैहि सलातो व सलाम ने उन्होंने जांदियां नूं जिहड़ा रिहाई पा के जा रहा है ना जिहदे रिहाई दे आर्डर आ गए ने वो तो अदालत की तरफ उन्होंने कहा सी अपने बादशाह दे सामने गल करी तू जो उस अदालत उस महफल अंदर चला जाएगा बादशाह दे कोल 24 घंटे रहना उते गल करी एक बंदा बेगुनाह ही जेल छुटिया पिया मुद्दा हो गई पुछण वाला ही कोई नहीं, लेकिन वह शराब कबाब दियां महफलां जाके हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं भुल गया, वह भुल गया ते फिर बादशाह नूं खुद ख्वाब आया, बादशाह नूं ख्वाब आया कि सत मोटिया ताजिया गावां ने ते सात दुबलियां ते पतलियां गावां वो मोटियां ताजियां गावां नूं खांदियां खा गई ने सवाया कर गई। बड़ा अजीब ख्वाब सी उन्हें अपने सारे दरबारियां नूं कहा कट्ठे हो बई ख्वाब आया ते ये जिहड़ा जेल चुराओ करके आया सी ना इन्हें आख्या जरा मैनू जेल तक जा लैण दिओ मैनू जेल तक जा लैण दिओ मैं ख्वाब की ताबीर दसना तुहानूं हां जी मतलब की पुछ के दसांगा ये नहीं क्या है जी लेकिन मतलब एको ही निकलता है। ते चला गया जेल अंदर इजाजत मिल गई जांदे कहंदा यूसुफ अय्युहस सिद्दीक यूसुफ सच्चा
सानू ख्वाब दी तबीर ते दस देखो पैगंबर दा हौसला खुदा दी कसम बुराई तो बच गए ते कहंदे ने परवाह नहीं भावे जिंदगी इत्थे गुजर जाए हौसला पैगंबर दा ए भी नहीं किया ओए कमलिया ओ तू शराब कबाब दियां महफलां च गुम हो गया मेरे नाल वादा करके गया से मैं तेनूं गल कही सी तू गल ही नहीं कीती अज तक याद भी नहीं करवाया हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने ख्वाब दी तबीर दस दी दसी ख्वाब दी तबीर ते ओ जिहड़ा बादशाह आखर सियाणा बंदा सी उन्हें कहा अच्छा एडा वड्डा इलम वाला इतना अच्छा इतना प्यारा इतना समझदार वो इतना तनाव बंदा वो जेल च रखे हो है पता ही नहीं किसे नु जेल च पिया हो है जाओ नु बुला करके लियाओ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु जाके आके आए आओ जी आओ उस जना पैगाम पहुंचाने वाले ने पैगाम पहुंचाया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु कहंदे ने قال ارجع الى ربك अपने बादशाह दी दे कोल चला जा उनु अग बस अलगुम बालुन निस्वतिलाती قطعنا ايديهن पुछो औरतां जिन्ना ने अपने हाथ लैसन ओ की गल सी उस गल दी पहले गल दी सफाई होएगी बाद अंदर रिहाई होएगी इवें होया उन्हें कठियां कर लिया औरतां बादशाह ने आख्या आओ इधर सारियां जुलैखा भी उन्हें भी जनाब क्योंकि वो सारियां सन ना वो सारियां उस पूरी दास्तान की तहकीक की उस जड़ियां जड़ियां मुलफ सन सारियां कठियां कर लिया ते जनाब कहंदा कि काला मा खतबुकुन इज रावतुन यूसुफा अन नफसी दसो यूसुफ अलैहिस्सलाम नु बरगलांदियां रहियां ओ की मामला सी सारियां ही बोलियां कहंदियां कुल्ला आशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू कहंदियां ने अल्लाह दी कसम असी यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर कोई बुराई नहीं वेखी साडे मंदर एक भी ओदी कोई बुराई ओदी कमजोरी नहीं है इधरों अज़ीज़े मिस्र दी बीवी ज़ुलैखा बोली कहंदी अल आन हसहस अल हक हक वाजे हो गया कहंदी अन रावतुहु अन नफसी व इन्नहु लमिन सादिकीन कहंदी मैं इनू अपने जाल अंदर फंसांदी रही मैं उनू बरगलांदी रही है अजे तक भी अजीजे मिस्र दी अजे तक भी अजीजे मिस्र दी घर वाली इन्ने साल गुजर गए समझ आ गई ना कहंदी है मैं ही ये काम करती रही हां बरगलांदी मैं ही रही हां लेकिन यूसुफ सच्चा है हक वाजे हो गया अल्लाह अकबर अल्लाह इत्थे बात लंबी हुंदी जांदी है हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कहंदे ने ए जना वमा उबरियु नफसी इन्ना नफसा लअम्मारतुम बिसू इल्ला मा रहिमा रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम कहंदे ने नफस बंदे नु ए बुराई दी तरफ उभारदा है मादा करदा मगर जेदे ते मेरे रब दी रहमत हो जाए ओ बंदा बच सकदा है नफ्से अमारा दिया तीन किस्मां एक नफ्से अमारा दूसरा नफ्से लबामा तीसरा नफ्से मुतमेना सुभान अल्लाह नफ्से अमारा जड़ा बुराई बुराई दी तरफ अमादा करदा है नफ्से लबामा जड़ा उनू मलामत करदा है नफ्से मुतमेना जड़ा ना बुराई दी तरफ अमादा करे ना कोई मलामत दी गल आवे जड़ा बिल्कुल मुतमेना इत्मीनान वाला दिल ए तीन किस्मां ने अलगर्ज बादशाह ने किया ओ लिया एहो जे अजीम इंसान नूं मैं अपना बना लेना अपना बना लेना मुखलिस तरफ़ आया मैं अपना बना लेना जू ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं सारी गलबात सफाई होने तो बाद लिया गया फलम्मा कल्लमहु قال انك اليوم لدينا मकील सोनिया गलबात तो बाद गल समझ आ गई अज़ीज़े मिस्र कहंदा ले ओ सोनिया चाबियां तेरे कोल
ले चाबियां संभाल हां जी अमानत तू तू एदा बादशाह ए मकीन अमीन अमानतदार भी तू ए अमानतां दी हिफाजतां भी तू करेगा और जनाब होने थे इस ओहदे ते तैनू तैनात कर दिता गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़े अच्छे तरीके नाल जनाब सारे दा सारा मामला जनाब पूरा निभाया। इधरों वक्त आ गया काल वाले काल साली वाले साल आ गए दाने दुड़े मुक गए मुख्तसर गल लंबी हुंदी पई है दाने शाने मुक गए ते जनाब इत्थे भी शाम दे इलाके दे अंदर भी काल पै गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे भाई गए और जाके अजीज़े मिस्र दे सामने मंगते बन के आए बैठे ने कहंदे ने इंजुआ जा इखवत यूसुफ फदखलू अलैह बअरफहुम व उमलू मुनकिरून जो ही दाखल होए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते पहचान गए मगर वो ना पहचान सके उन्हों दा ज़हन ही नहीं सीखे अज़ीज़े मिस्र ते बादशाह ये साडा भरा यूसुफ बने होएगा ना ना उन्होंने पता ही नहीं सी जनाब इस गल ते इधर ते तवज्जो ही नहीं सी ना ते जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने उन्हां दा खल्ला जदों समान तैयार कीता है ना नाल आखिया अपने भाई इन्हें आखिया मेरे भाई नू गल आउट ना हो जाए अपने भाई बिन्यामीन नू ले करके आया जे मैं ज्यादा गल्ला देंगा तुहानू पता है मैं मेहमान नवाज कितना कितनिया मेहमान नवाजियां कीतियां हैरान हुंदे ने असी की ते बादशाह की है साढ़े इस्तकबाल हो रहे ने साड़िया मेहमान नवाजियां हो रही ने अंदर अंदर रोंदे ने कहने गल की है समझ नहीं आती कौड़ी मुल नहीं साडा फकीर बन के आया इत्थे बादशाहां साड़िया खातरा तवाजो मेहमानदारियां हो रही ने कहंदे ने समझ नहीं आंदी जी 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 बरकत गए और वेखिया ते विच जनाब ओ जिहड़े पैसे पाई लैके गैसरों भी वापस उन्हां दे समान चो निकल आए कहंदे ने वापस करन जावांगे नाले कहंदे ने हां कहंदे ने अब्बू ओ अज़ीज़े मिस्र कहंदा है बिन्यामीन नू नाल लैके आओगे अपने भाई नू ते मैं ज्यादा गल्ला देंगा अगर ना लेके आया मेरे कोल तुहाडे वास्ते कोई किसे किस्म दा गल्ला नहीं आन दी कोशिश भी ना करिया जे बड़ी मुश्किल नाल मना करके बाबे नू हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मनदे नहीं यूसुफ दा विछोड़ा ही ओही नहीं किधरे उन्हां नू जबरदस्त होंदा हुण जनाब बज़िद हो गए ते लैके टुर पए कहंदे ने फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा सोणियो असल ते हिफाजता मेरे अल्लाह दिया ने अलगर्द लै गए। हजरत जनाब बिन्यामीन दे माल दे अंदर उन्हां ने बादशाह दे कहन दे मुताबिक अज़ीज़े मिस्र दे कहन दे अल्लाह ने तरकीब सिखाई को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नु झूठा ते फराडी ना समझदा रहे अल्लाह ने फरमाया असी ये तरकीब सिखाई यूसुफ अपने नु वरना यूसुफ अलैहिस्सलाम इंज नहीं करने वास्ते तैयार सन। वो पड़ोपा उन्होंने जनाब विच रख दिता ते जदो जान लगे ना ते आवाजा पैन लग गई हैं जी कहंदे ने ओ काफले वाले ओ इन्नकुम लसारिकून तुसी चोर हो चोरो ठहरो परेशान हो गए कहंदे ने असी चोर कित्थों ना कदी चोरां दे असी साजी ना चोर जे चोरी करन वाले हुंदे ते असी इत्थे आंदे हैं जी चोर चा नहीं ते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने कि जेड़ा जेड़ा चोरी करे जेदे चो चोरी निकल आवे बरामद हो जाए चोरी दा माल ओदी की सजा है कहंदे ने ओदी सजा ओही है जिहदे तों बरामद हो जाए उस वक्त दा कानून सी उहनूं उत्थे रोक लिया जांदा सी रख लिया जांदा सी जेल च उहनूं जेल च बंद कर दिता जांदा सी चोरी दे ज़िम्मन अंदर बदले दे अंदर रख लिया जांदा सी जनाब ओह जनाब जदों समान परोलिया ते हजरत बिन्यामीन दे समान विचों ओह पड़ोपा निकल आया ते जनाब हां जी उहनां नूं रख लिया गया है ना जनाब नाल ही उस वेले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातो वस्सलाम वेखदे पए ने हुण बोलणगे ते की आखदे ने जदों चोरी बरामद हो गई कहंदे ने कालू इन्नी यसरिक फकद सरका खुल्लहू मिन कबल ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀ ਸੀ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਦੀ
फुफो कोल गया ते उन्हां नूं उत्थे रहण नहीं दिंदे सन। ते फुफो ने भी इहो ही तरकीब कीती, कहिंदी इह तां मेरा छोर है, मैं इहनूं नहीं जाण दिंदी। है जी, इन्हें तो मेरी आ फलां चीज नाल बन दिती ना, तो वह जान लगे कहती मेरी आ चीज ले जाता, लिहाजा मैं नहीं हूँ जान देना। वह जिहड़ा कानून सी उस कानून के मुताबिक उस गल नूं याद करके अजे लई फिरदे ने, कहिंदे ने जे इन्हें चोरी कर ली तो की यह कि गल है, इहदा भरा सी ना जिहड़ा इहदे तों पहले यूसुफ, वह भी चोर ही सी। अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फअसर्रा यूसुफ फी नफ्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अन्तुम शर्रुम मकाना। कहिंदे ने गल दिल अंदर ही छुपा करके रखी, ते दिल दिल अंदर कहिंदे ने बड़े शरारती जे है भरावां। इन्नी गल कहिंदे ने जनाब, ओदी जगह ते हज़रत बिन्यामीन नूं रख लिया गया। वह कहिंदे ने ना ना ना, असी बाबे नूं मूंह विखाण जोगे नहीं रहने, साडे चो एक बंदा फड़ लै इहनूं जनाब, छड्ड दे वरना मर जाएगा साडा बुढ़ा बाप इहदे सदमे नाल। और जनाब कह हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम ने कहा कि असी ज़ियादती करन वाले नहीं, गलती कोई होर करे फड़ी किसे होर नूं फिरीए, इह ते गल नहीं रही। हज़रत जनाब यूसुफ अलैहि सलातो वसलाम ने अपने भाई नूं रख लिया, वो जिले वापस चले गए ते जनाब जा करके गल्ला करदे ने, कहिंदे बाबा तेरे पुत्र ने चोरी कीती है। ये नहीं क्या साढ़े भाई ने चोरी कीती है, हां जी तेरे पुत्र ने चोरी कीती है ना। हजरत याकूब अलैहि सलातो वसलाम बड़े परेशान हुए, कहिंदे قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم। फरमांदे ने गल तुसी अपने कोलों ही बना लईए, हालांकि हुण गल कोलों नहीं बनाई सी, उन्हां दा इतबार ही उठ गया है। कहिंदे ने मेरा सबर ही है ना, बरके हज़रत याकूब अलैहि सलाम या असफ अला यूसुफ हई वबयज़त अईनाहु मिनल हुज़्नी फहुवा कज़ीम। अखां दी बिनाई भी खत्म कर बैठे, ते कहिंदे बेटे कहिंदे अबू हर पहले यूसुफ यूसुफ भी लाई रख दे, यूसुफ यूसुफ के सदमे नाल किधरे हलाक ही ना हो जाए, जे जान ही ना गवा लिया जे। हजरत याकूब अलैहि सलाम कहते ने قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون। कहते ने मैं ते अपनी शिकायत अपने अल्लाह दी दूर करना, और जेड़ी गल मैं जानना तुसी नहीं जानते, वह आलम मिन अल्लाह इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह आलम मिन अल्लाह बस इलल्लाह मिन अल्लाह इलल्लाह मिन अल्लाह। ए कल मेरी अल्लाह दी तरफ, ए मेरी शिकायत अल्लाह दी तरफ, ए मेरे आंसू अल्लाह दी तरफ, ते ए जड़ी मैनू इलम वाली बात मिली है मिन अल्लाह, ए मेरे अल्लाह दी तरफ, बस इलल्लाह ते मिन अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इसे गल से अकीदा नबी दा, कहंदे ने बेटे ओ जाओ मेरे यूसुफ और ओदे भाई बिन्यामीन नूं तलाश करो, लबो जेड़ा मायू जेड़ा अल्लाह दी रहमत ना उम्मीद हो जाए, ते काफर होया कर देने ना। हां जी चलो जाओ बेटा ले करके। हुण जनाब गल्ला दोबारा लैण वास्ते जदों दरबार अंदर पहुंचे ने, हुण ते सब कुछ खत्म है, बस रोटी तो थुड़ गए, इवें मुंह पिचके होए, इवें जनाब उन्हां दे रंग उड़े होए, अखां इवें विच वड़ियां होईयां, इतने गरीब कपड़े फटे होए। हुण इस वेरी जदों पहुंचे ते भुख ने होर बड़ा सताया, जो ही अपने जनाब अज़ीज़े मिस्र दे दरबार अंदर पहुंचे, कहने या
فأوفل الكيل وتصدق علينا إن الله لا يجزي المتصدقين إن الله يجزي المتصدقين کہندے کیلے کہندے نے جناب اے عزیز مصر بھکاں نے مار چھڑیا ساڈے لویال بھک تے مارے گئے اوتے مرن والے ہوئے پے نے ساڈے کول کوئی چیز نہیں سانو خزانہ غلہ پورا دے دے وتصدق علینا ساڈے تے صدقہ ہی کر اللہ اکبر اللہ اللہ سونے بات تیری ان الحکم الا للہ حکم تی اللہ سونے دا چلدا ہے ہن دیکھو فقیر بن کے آئے صدقہ پہ منگ دے کہندے صدقہ دین والے نو اللہ بڑی جزا عطا فرماندا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے قال هل علمتم ما فعلتم ما فعلتم بیوسف و اذ انتم جاہلون کیا تو اس بات دا علم ہے ہاں جی تسی جناب یوسف پرو تے بھائی نال کی کیتا جے انہاں نے آکھیا جدوں وی آئیاں بنیاں بین دیاں گلاں جدوں وی آئیاں تے گلاں اے ہوئی کر دے رہے نا کیویں کر دے رہے اے اتنی دیر بندہ کسے نو دو تین چار واری ملے پرانیاں گلاں یاد آئی جاندیاں نے نا ہن کمپیوٹر نے بیک یعنی ریپلے کیتا ہے نا بیک ماری ہے نا کمپیوٹر نے جناب ذہن اندر بات ذہن نے چھڈیے تے کہندے کی نے قالوا انک لانت یوسف غور نال ویکھدے نے کہندے نے کیا تو ہی یوسف نے اوتھے کئی لوگ برکے پرا دیندے نے کئی کچھ کر دیندے نے تاں نہیں پہچانا ہے او سارا کھولوں ہی بنیا ہویا ہے ایسی کوئی گل نہیں ویسے بھی بتاں انہاں دے یاد خیال ہی نہیں کہ یوسف عزیز مصر مصر دا بادشاہ بنیا پیا ہوئے گا زیادہ زیادہ یہ ہوئے گا کہ غلامی دی زندگی چ کدھرے گزاردا پیا ہوئے گا لوگ لے گئے ہون گے یا مر مر گیا ہوئے گا اوتھے یاد خیال نہیں لیکن دو تین چار واری ملاقات خدمت جناب حوصلہ فضائیاں جدو اے ساری گل اے پوچھی نا یوسف انہوں نے کہا بادشاہ اے مصر دا بادشاہ یوسف نو اسی کتھے سٹیا اے یوسف دیاں گلاں پوچھدا ہے بنیامین دیاں بار بار گلاں کردا ہے تے غور نال ویکھیا نہ تے تے کہندے نے لگدا ہے تے یوسف ہی ہے لگدا یوسف ہی ہے کہندے نے قالو اینک لانت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین آنکھا میں یوسفیاں اے میرا بھائی بنیامین اللہ نے ساڈے تے احسان کیتے جڑا بندہ اللہ کولو ڈردا ہے صبر کردا ہے اللہ صبر کرنے والے نیک لوگاں دی اجر ضائع نہیں کیتا کردا فوراً بولے کہنے قالو تاللہ لقد آثرک اللہ علینا اے میرے ساڈے پیارے ویر یوسف یوسف ویر اللہ دی قسم ہے اللہ نے تینوں ساڈے تے فضیلتاں دے چھڑیاں نے ساڈے تے اللہ نے تینوں بڑے اونچے مقام دے چھڑے نے و ان کنا لو خاطئین اتھے رو پے بھائی صدقہ منگدیاں ہویا رون والے ہوئے تے پہلے ہی پیسن جدو یوسف دا پتہ لگیا راز کھلے آئے اسی ویلے روندیاں کہندے نے بھائی ویریا سونے ویریا اللہ نے تینوں فضیلتاں دے چھڑیاں اللہ نے ساڈے تے بڑیاں بڑے اچے مقام تینوں عطا فرما چھڑے اسی غلطاں حضرت یوسف علیہ السلام تے پہلے ہی اندروں نرم ہوئے پیسن براواں دیاں بھکھ
ਦੇਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਇਨ ਕੁੰਨਾ ਲਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਰੋਈ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਵੀਰਿਓ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਗਣਵਾਣੀਆਂ ਬਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਲਾ ਤਤਰੀਬ ਅਲੈਕੁਮ ਅਲਯੂਮ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਆਫੀ, ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁਆਫੀ। ਯਗਫਿਰੁਲਲਾਹੁ ਲਕੁਮ, ਅੱਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵਹੁਵਾ ਅਰਹਮੁਰ ਰਾਹੀਮ, ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਇਜ਼ਹਬੂ ਬਿਕਮੀਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ, ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਖਾਂ ਬਿਨਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਾਸਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਦੂਰੇ, ਕਿਤਨੇ 100 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਦੂਰੇ। ਇਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਿਆਰੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਵੇਂ ਜਨ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨੀ ਲਾਜਦੁਰੀ ਹਾ ਯੂਸਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹਿਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਾਸਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਕਮੀਜ਼ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਨਾਈ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਛੱਡੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਲਮ ਅਕੁਲ ਲਕੁਮ ਅਅਲਮੁ ਮਿਨੱਲਾਹ ਮਾ ਲਾ ਤਅਲਮੂਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦੇ। ਮਿਨੱਲਾਹ ਇਲੱਲਾਹ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮਿਨੱਲਾਹ ਇਲੱਲਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਨੱਲਾਹ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਇਲੱਲਾਹ ਐ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਲੱਲਾਹ, ਐ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਇਲੱਲਾਹ, ਐ ਮੇਰੇ ਤੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਇਲੱਲਾਹ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਐ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਏ ਮਿਨੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਅਲਮੁ ਮਿਨੱਲਾਹ ਮਾ ਲਾ ਤਅਲਮੂਨ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੂ ਯਾ ਅਬਾ ਨਸਤਗਫਿਰ ਲਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਯਾ ਅਬਾ ਨਸਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ ਇਨਾ ਕੁੰਨਾ ਖਾਤੀਨ, ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਤਗਫਾਰ ਤਲਬ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਤਨਾ ਨਰਮ, ਕਿਤਨਾ ਦੁਕਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਸਦਾਇਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੌਫਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁ ਲਕੁਮ ਰੱਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਇਨਹੁ ਹੁਵਲ ਗਫੂਰੁਰ ਰਹੀਮ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਗਲਾਇਆ, ਆ ਜਾਓ ਸਾ
سارے دے سارے حضرت یوسف علیہ السلام دے والد گرامی بھائی سارے بھتیجے سارے ویر ساریاں بھابیاں سارے دا سارا خاندان جدوں مصر دے اندر پہنچے ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین دے استقبال واسطے شہر تو باہر نکل آئے اور جو ہی آئے کہندے نے داخل ہو جاؤ عزت پہلے والدین نوں دتی ہے نا گلے ملے تے اتنا زیادہ روئے ایک دوسرے بلنوں مل کر کے جویں خواب وچ کوئی بندہ ملدا پہ آئے روندے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمین شہر دے اندر داخل ہو جاؤ ورفع ابویہ علی العرش اپنے والدین نو تخت دے اوتے بٹھایا ہے وخروا له سجدا سجدے اندر سارے ڈگ پے یعنی تعظیمی سجدہ بھائی اے بھائی سارے سجدے اندر ڈگ پے او تو تعظیمی سجدہ جیسی اج کل تعظیمی سجدہ جائز نہیں جے میں حدیث میں ایتھے لے آ کے فٹ کرنا چاہندا سا اللہ دے نبی دے صحابہ کنے سونیا اونٹ جو تانوں سجدے کردا ہے اے جی سر نوائی پہ آئے اسی تانوں سجدہ کیوں نہ کریے اللہ دے نبی فرمایا جے میری شریعت اندر سجدہ تعظیمی جائز ہوندا میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کریا کر دی اللہ تعظیمی سجدہ لوگ کہندے انہاں سجدہ کیتا اسی بھی کرنے ہاں محبت نال اسی بھی جا کے دربار دے اوتے ڈگ پینے ہاں سجدے کرنے ہاں نہ نہ سونے ہاں شریعت محمدی اندر تعظیمی سجدہ بالکل ناجائز ہے اور کہندے نے ابو جی اے خواباں دی تعبیر ہے اے اللہ کریم نے سانوں بڑا اچا مقام عطا فرمایا شیطان الہ جن نے ساڈے میرے تے میرے ویراں دے درمیان جیڑی جناب جدائی ڈال چھڈی ہے دلاں دے اندر دوری ڈال چھڈی ہے اللہ بڑا ہی بریک بھی نے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے بڑیاں حکمت والا ہے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین میرے مالک دی توفیق نال مینوں ایسی کہ تین چار گھنٹیاں تو پہلے اج میرا خلاصہ مکمل نہیں ہونا لیکن اے اللہ دی توفیق نال دو گھنٹیاں دے اندر اندر دو گھنٹے جے پورے نہیں ہوئے تے خلاصہ ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے تے پورے کرن واسطے میرے دوستاں ویراں نے بہت زیادہ اصرار کیتا سی کہندے کاری صاحب ادھروں فون پتہ چلیا جدوں دا کہ تہاڈا فیس بک پیج دے اتے ہاں جی کاری یعقوب فیصل آبادی والا پیج ایک بہت بڑا چینل ہے اللہ دے فضل نال پوری دنیا تے مشہور ہے لکھاں لکھاں کروڑاں لوگ سنتے ہیں ماشاء اللہ تے وہ پتہ لگیا دوستاں نوں جگہ جگہ تو فون آتے رہے کہ او جی حضرت یعقوب علیہ السلام تے حضرت یوسف صدیق دی او جدائی انہاں دا فراق تے پھر جڑی چٹھی لکھی ہے نا انہاں نے حضرت یوسف علیہ السلام نوں انہاں نوں تے پتہ نہیں سی میں اپنے بیٹے نوں چٹھی لکھ رہا انہاں نے تے اپنے طور تے مصر دے بادشاہ نوں چٹھی لکھی ہے اللہ اکبر اللہ جی جی جس رک ہیٹھوں باپ یوسف نوں بائیاں نال رلایا اس رک ہیٹھوں رک کہندے نے درخت نوں رک اس رک ہیٹھوں نبی خدا دے گھر ول پیر نہ پایا لے او پیاریا رب دے حوالے اللہ جیویں چاسی اس نوں جد منظور ہویا او آپے چا ملا سی دل نہ ٹھہرے تے کون ٹھراوے وکھرے راز دلان دے رب ملایا خیر کوئی تے آخر پھر ملان گے رک نال ٹیک لگا کے بیٹھے
छम छम अंजू जारी वेखण कंडत करन दुआई खैर करे रब वारी हथी दबल जिनानू करिए लथी ओयास दिनादी विछड़ गया दी तांग हमेशा पल पल याद दलांदी कहे यहूदा मुड़ कर वेखो अबे रोंदे ताई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रुख दे नाल टेक लाई हुई बैठे लक लक दौरा हो गया आसरा नहीं कर रही से थके खड़े हो जान ते रुख दे नाल टेक लाई होई ते रोंदे पैरे ना इन्ना दिया सिसकियां रोने दे अंदाज इवे जनाब नाल ही ते पुज जांदे पैरे बेटे हां जी कहे यहूदा मुड़ कर वेखो अबे रोंदे ताई तरस करो ते छड़ो इरादा कम चंगा नाई इबले इसहाक यकूब दी तरफों साडा है गम नामा चिट्ठी शुरू हो गई जे इबले इसहाक यकूब दी तरफों यानी इसहाक दे बेटे यकूब दी तरफों है जी साडा है गम नामा शाह मिसर दे ताई साड़िया हो मन लक सलामा नाम तेरा ना मालम मेनू किवें मैं तेनू बुलावा सोने याकूब इत्ते तेरा बेटा है जिन्हों तू मिसर दा बादशाह समझ के खत लिखी पिया है कहंदे ने नाम तेरा ना मालम मेनू किवें मैं तेनू बुलावा किसे चंगे प्यो दिया चंगे पुत्रा किवें किवें मैं दर्द सुनावा कम तेरे मैं सुन सुन करके खुश होंदा रहा डाडा बिन्यामीन कैद करा के तोड़िया ईमान साडा हजरत याकूब अलैहि सलाम कहंदे ने तू शाह मिसर दा असी न माणे की असी तेनू कहना तू शाह मिसर दा असी न माणे की असी तेनू कहना पर एक हथियार मिसकीना वाला तू उस तो बच के रहना रख के अदल तराजू वाला रब जद अदल करेंदा बड़े बड़े मुतकबिर मगरूरा पल विच भन सटेंदा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आंसुआं दे नाल चिट्ठी लिखदे पै ने कहंदा मेरा पुत्र यूसुफ सोना सोने मुखड़े वाला विछड़ गया ओ जींदा होवे ते खैर होवे शाला मेरा यूसुफ सोना यूसुफ चन सी मेरा यूसुफ ही करते ने मेरा यूसुफ सोना यूसुफ ते यूसुफ चन सी मेरा चन यूसुफ दे बिछड़िया मेरी अखियां गया नेरा बिन्यामीन ए वीर वचना रुनिया नाले मेरे रल के रोंदे रहे दोवें गम दुखां दे घेरे
कौन जाने की ये गुजर दी उस बजद दागे आ बिनिया हड्डियां दा एक ढांचा मैं हाल नी मेरा रे आ बिनिया मीन डंगोरी मेरी उंज ते रब सहारा सहारा छोटी है मेरी खूंडी ला बिनिया मील डंगोरी मेरी उंज ते रब सहारा मेरी खूंडी खोके शाखा किता नी चंगा कारा अल्जाम दरिया के बिन्यामीन है तेरा जाम चुराया बादशाह गाइस तेरी गल ने मैनू मार मुकाया जे असी असी हाँ जी कहने जम्मे असी नबियां दे ते नहीं चोरी पेशा साडा सल कलेजे मेरे पाके दुखी की ताई डाडा इब्राहीम सी बाबे मेरे अग विच छाल लगाई नाले अब इस्माइल दी गर्दन छो छुरी छुरी ओ ना चलाई ते मैं तेनू गा इतना कहंदा आखर ते चिट्ठी दे आखर ते कहंदे ने हजरत याकूब अलैहि सलाम कह रहे ने मैं तेनू गा सिर्फ इतना कहंदा छड़ दे बिन्यामीना यूसुफ लई दुआ भी करना मिल जाए माजवीना हा मिसकीना ते बद्दुआ तू बचो ओ शाह मिसर दा उस दा तेनू तसव्वर नहीं जो कुछ रब गै करदा अल्लाह मेरे अल्लाह ने मैनू हौसला दिता है मैं चिट्ठू सुना सकिया पर ना यकीन जानो असर तो बाद शाम तक मैं चिट्ठी पढ़दा रहा कोई 15 to 20 मरतबा मेरिया अखां अगे पानी आ गया आंसू निकल आए बार बार छड़ के अखां साफ करके फिर पढ़नी शुरू करदा सा दूसरे शेर ते फिर रोना आ जांदा सी फिर रोना आ जांदा सी तो बरकैफ अल्लाह ने मैनू हौसला दिता हजरत याकूब अलैहि सलाम दी दुखां भरी ए चिट्ठी मैं मुकम्मल ए टू जेड सुना दिती जिवें दी मेरे कोल सुनाई गई बरकैफ अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत नाल इन्ना प्यारियां दियां प्यारियां दास्ताना जो हालात आए ऐसे हालात अंदर मोमिन नू की करना चाहिए सबर करना चाहिए और जेड़ा बंदा हसद करता है किसी दे बारे दे अंदर वह हसद करने वाले नू दुनिया ते भी नुकसान है अगर महसूद जिहदे नाल हसद किया जाता है जिवें हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नाल कीता गया अगर वह मुआफ़ ना कर दे ते भाइयां दा जुर्म मुआफ़ नहीं होना सी आखरत भी बर्बाद हो जानी सी इन नबियां दे जाए सन सहवन इन्हां तो गलती हो गई सहवन कोई गलतियां करन वाले नहीं सन कोई फराडिए नहीं सन है जी कोई मक्कार नहीं सन कोई शरारती नहीं सन लेकिन जनाब एक गल ज़हन च आई उहदे ते बस सादा सीधा सादा बंदिया तों भी गलतियां बड़ियां बड़ियां हो जांदियां ने ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अगर मुआफ ना कर दे उन्हां नूं आखरत अंदर भी खसारा सी दुनिया च ते खसारा उठाई चुके सन इस वास्ते सोने हसद ना कीता कर बल्कि किसे दी इज्जत नूं वेख के रशक करिया कर ताकि तेनू भी अल्लाह उस तो ज्यादा इज्जत आता सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। प्यारे भाइयो मुख्तसर जी दुआ करने आ दुआ तो बाद मेरे मुहतरम हमारे हमसाए मस्जिद साड़ी इंतजामिया दे विच है जी मेन सरबरा इंतजामिया दे मुहतरम प्यारे भाई शेख जियाउल्लाह साहब
वो कहता है जितने भी दोस्त आए ने इन्हों तू ज्यादा दोस्तों का, क्यों जो ज्यादा असं तशहर नहीं कर सके। कहते ने खाने का इंतजाम किया है, कोई बंदा इस तरह ना जाए, उन्होंने हौसला शिकनी होएगी अगर तुम इस तरह चले गए। बड़े चा नाल उन्होंने तो इस तो दो तीन गुणा ज्यादा दोस्तों का इहतमाम किया, लेकिन ज्यादा रश कर इजाजत नहीं, जिसकी वजह तो ना तशहर ना किसी को दस सके। हाँ थोड़ी देर पहले वेखो मोहम्मद इसहाक रात की ड्यूटी करता है, अल्लाह ताला की जिंदगी बरकत फरमाए, अपनी ड्यूटी छड़ के पता लग्या आए बैठा, ड्यूटी छड़ के आ गया रात की, हालांकि ड्यूटी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह कितना प्यार करने वाले, कितनिया मुहब्बत करने वाले दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला तुहाडे प्यार नूं तुहाडियां मुहब्बतां कीतां नूं कबूलो मंजूर। सऊदी अरब चों, वैसे तो पूरे मुल्क चों जिहड़े जिहड़े भी सुनने वाले नाल नाल फेसबुक ते वो कमेंट्स दे रहे ने, दुआवां दी दरखास्तां कर रहे ने। ताहिर साहब सऊदी अरब वाले, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार नाल कहा है कि मेरे वास्ते दुआ करनी है, कल्ले उन्हां वास्ते नहीं, इंशाल्लाह असी सब लोगों वास्ते रूए जमीन ते जितने भी हुण लाइव सुन रहे ने उन्हां वास्ते भी, जेडे फिर सुनगे, कल सुनगे, परसों सुनगे, यूट्यूब से भी ये बयान दे दिता जाएगा और ये सुनते रहेंगे, और इंशाल्लाह असी उन्होंने दुआवां शामिल रखांगे, अल्लाह उन्होंने तमाम परेशानियां दूर फरमांदा। कोयटा तो एक मेरी बेटी है, मेरे बेटे कारी यूसुफ की बहन है, हाँ जी कोयटा तो इस्लामी रूहानी बहन है, वो दरखास्त कर रही ने अल्लाह तबारक वताला उन्होंने रीना औलाद अता फरमाए, अल्लाह बेटे अता फरमाए, उन्हों का दिल है कि मैं अपने बेटिया कुरान के कारी ते हाफिज बनावा, जिमें इन्हों की मेरे कारी मुहम्मद तैयब उकाड़वी साहब की फुफो जान मेरी बहन रूहानी बनिया, एक जलसा सुनिया सदर गुगेरा मरकजी मस्जिद का, उदो स्पीकर उतले चलते होंगे सुन, उन्होंने घर बैठ के सुनिया, तो उदो छोटा जहा या पैदा होया सी या छोटा जहा सी, तो उन्होंने कहा जनाब ये मेरा ये बेटा ये भतीजा इनू मैं कारी याकूब बनावना है। बाजी होर ने आख्या, इन्हों की फुफो ने मेरी बहन ने आख्या, तो असी दुआ की, असी क्या मैं तो सिफर तो भी थले हाँ, अल्लाह के फदल नाल मेरे नालों हज़ारा गुना हाँ जी वध इल्म अमल के अंदर इंशाअल्लाह खिताबत के अंदर भी बहुत अगे निकलेगा इंशाअल्लाह। मेरा बेटा पढ़ता हूँ, पढ़ता पाया जे, लेकिन इलम के अंदर अल्लाह ताला ने साड़ी सारी गैंग विचों सब तो ज़्यादा इन मजबूत बनाया, और मजीद इलम के अंदर वधते जा रहे हैं, इन्हों की रिसर्च तहकीक इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा बहुत बड़े मुसन्निफ बनेंगे और बहुत बड़े शेखुल हदीस बनेंगे, लामा किस्म के बंदे इंशाअल्लाह। ए मेरे दूसरे जितने भी शागिर्द ने अल्लाह इन्हां सारियां नूं इतने बड़े बड़े शेखुल हदीस, बड़े बड़े खतीब, बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े अल्लामे अल्लाह इन्हां नूं बनावे और नेक रखे, ते इन्हां लड़ियां नूं अल्लाह क्यामत तक जारी और सारी। आओ असीं दुआ करने आं अल्लाह दी तौफीक नाल। रिजवान, औरंगजेब और अशरफ साहब, वैसे तो सारे दी आ रही ने, असी इन्हों वास्ते कारी महमूद अहमद सयाद वास्ते दुआवां पहले भी कीतियां, करने भी आ, करांगे भी, अल्लाह दे अगे मुश्किल कोई नहीं। साढ़े मरकज दे माशाअल्लाह मुदीरत तालीम ने, बल्कि मरकज दी जान और मरकज इन्हों दा मरकज दी पहचान, असी सिर्फ इंशाअल्लाह खादमी करन वालियां दे विचों आ। अगर ये इतनी मेहनत ना करन ते मैं ये इन्हों मरकज तो पहले मैं जीरो हाँ, मैं जीरो हाँ, अल्लाह के फदल नाल इन्हों की मेहनत की वजह करके मैं इस टाइम हीरो हाँ अल्लाह के फदल नाल। जिथे भी गल करने आ, बड़े पूरे बसूक नाल करने आ, असीं कहने आ एक तालिब इलम सानू कोई दे देवे अल्लाह के फदल नाल। एक दोस्त कहिंदा गुजरात तो, एक मेरा दोस्त है सऊदिया हुंदा है गुजरात तो, जमीर अख्तर साहब कहिंदा जी मैं दो बच्चे तुहानू देने नहीं जी, मैं एक बच्चा कहिंदा पढ़िया होया है लेकिन नाल वो भी कोई दोहराई कर लेगा, छुट्टियां ने उन्हें दो तीन महीने रहेगा, शादीशुदा है, कहिंदा वो भी बच्चा तुहाडे कोल रहेगा ताकि छोटे बच्चे का दिल लग जाए। तो मैं उन्होंने कहा अल्लाह के फदल नाल गल्लां बहुतियां असीं नहीं करदे, और सानू अल्लाह ने हीरा तराश बनाया, इंशाअल्लाह वो बच्चा तीन महीनों तो बाद जो छुट्टी ते घर जाएगा तुहाडा छोटा बच्चा, तुसीं कहोगे जिहड़ा इन्हें दस साल पढ़िया
जीरो है ते आ तीन महीना पढ़ाई हीरो है उची इंशाअल्लाह अल्लाह दे फदल नाल अल्लाह ताला बरकतां फरमाए माशाअल्लाह रहमतां दे नज़ूल फरमाए अल्लाह कारी साहब नूं भी औलाद वाली नेमत नाल वाला माल फरमा हाँ फितराने का भी दसना है ते अब्दुल हफीज बेटे का सारे नूं पता चल चुके है एक्सीडेंट होया उन्हां दे बाजू सज्जा फ्रैक्चर हो गया बेटे का हड्डी टुट गई ऑपरेशन करवाया प्लेटा पईआं ने तांदले वाले विचों मेरे प्यारे अरसलान बेटा जी माशाला आए भी पुछ के गए बड़िया मुहब्बत करने वाला बच्चा है अल्लाह ये पूरे इन्होंने कजन इन्होंने अजीज इन्होंने दोस्त मैं दूसरों के नाम नहीं जानता उन्होंने भी आना अल्लाह कबूलो मंजूर फरमाए तो अल्लाह इन्होंने प्यार उत्थे पूरी जमात ने अरसलान साहब छां कर दी खुदा दी कसमें एडा दिल खुश होया एडा दिल खुश होया हर बंदा ही बेटे दे उत्ते खड़ा रहा कहिंदे दुआवां हर पासों पूरे मैं उस दिन तो लैके हुण तक मैं होर काम नहीं कर सकिया मैं इतना ज्यादा जिन्ना मुतालिया करना मैं इन्हां दिनां च मुतालिया मेरे तो उतना नहीं होया कीता मैं जरूर है पर उन्ना नहीं मैं कर सकिया कि बंदिया दी हौसला शिकनी हुंदी है ते जिन्हां नूं दुआवां वास्ते आख्या वह दुआ करन ते बंदा उन्हां दी दुआ दा जवाब भी ना दे सके क्यों जी इसे कम ते ही लग्या रहा टेलीफोन ही सुनदा रहा सारे मेरे बच्चे सारे मेरे शगिर्द जिन्हां जिन्हां कोले नंबर ने जिन्हां दे उन्हां ने फोन करके दुआवां माशाअल्लाह इतनियां ज्यादा कीतियां हर बंदे ने कहा जी साढ़े लैकारी साहब कोई हुक्म होवे ते दसो औखे जरूर हाँ सारा जहान इस वक्त औखा है लेकिन साडा माल जान असी कोई वेच के भी देने वास्ते तैयार हाँ क्या नहीं बस दुआवां की जरूरत है तुहाडियां अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह बेटे नूं सेहत दा फरमाएगा फितराने दे बारे दे अंदर मसला पुछदे पै सन कितना फितराना बनता है देखो कई चीज़ा ऐसिया ने जिहड़ियां तुसीं 50 रुपए किलो वालियां 40 रुपए किलो वालियां भी खांदे हो कई चीज़ा ऐसिया ने राशन दे अनाज दे अंदर तुसीं 200 300 400 वाली किलो वाली चीज़ भी खांदे हो ठीक है ये ना 50 वाली चीज़ रखो तो ना 200 400 वाली रखो अगर 100 रुपए किलो दे हिसाब नाल लाओ तो फिर भी जनाब 250 रुपया फितराना बनता है पर हैड है जी ये फितराना देना चाहिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अजकल इदारे तो वैसे अद्धे पचद्धे बंद ही हो गए मदरसे बंद हो गए लोग अपने ही मामलों के जो करोड़पति है तो उस करोड़ दे विच उलझा पिया जे कोई 10-20-50 करोड़ का मालक है वो उलझा पिया किसी को पता ही नहीं चेते याद ख्याल ही नहीं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों नूं याद ख्याल ही नहीं सी कि साडा भरा यूसुफ ये अजीजे मिस्र बनया पे ये बादशाह मिस्र दा बनया पे इस तरह याद ख्याल ही नहीं लोगों के दीन दे गुलशन मदरसे दीनी इदारे जिथों साडियां नस्लां तक दीन उन्हां दे विच मौजूद रहेगा हाँ जी वह बंद होंदे जांदे ने मईशत दी वजह तों अपने काम वधाई जाने ने ओले नहीं माड़ा ओले काम मंदा भी नहीं ओले गरीब भी नहीं वध तो वध डबल तो डबल डबल तो डबल है जी अपना काम करना 2-4 करोड़ लग गया इधर लख ते बड़ी दूर की गल 2-4 हज़ार रुपया कढ़ देना है जी इंज लगता है दिल भुलेगा है जी अटैक ना किधर हो जाए ये मसला होया पे अल्लाह की कसमें जिदी वजह तो दुआ करने की जरूरत है और इदारे नाल तावन करने की भी जरूरत है तुसी फितराने दा जकात दा सदका खरात दा अपने दीनी इदारे नूं मैं नहीं कहिंदा सिर्फ मेरे मदरसे नूं दिओ नहीं दीनी इदारे जिथे जिथे काम कर रहे ने रिसर्च करो तहकीक करो काम हुंदा पिया फिर दिओ फिर खुले दिल नाल खर्च करो अल्लाह तबारक व ताला अपनी रहमत नाल अमल दी तौफीक ठीक है जी प्यारे भाइयो मुख्तसर जिहा अद्धे घंटे का या 20 मिनट का खुलासा अगे हुंदा कदी 15 मिनट का भी हुंदा ठीक है ना ते इस वास्ते बाकी जिहड़ा बाकी जिहड़ियां 4 रातां रह गईयां ने ना ताक रातां 23वीं 25वीं 27वीं और 29वीं इन्हां 4 रातां बाकी जिहड़ियां रहिंदियां ने उन्हां च भी शेख ज़ियाउल्लाह साहब फरमा रहे ने मैं इन्हां रातां दे विच आण वाले दोस्तां वास्ते खाने का इंतजाम करांगा साथी आया जे ये लंबा सी जरा खुलासा 2 घंटे लग गए लेकिन जिहड़ा वो खुलासा होया करेगा रूटीन नाल हर रोज़ खुलासा तरावियां तो हुंदा ठीक है ताक रातां च कोई 10 मिनट 20 मिनट वध लग जाणगे
अगे पिछे रातां दे विच खुलासा सिर्फ और सिर्फ है जी उस सपारे दा 20 मिनटां दा या 15 दा या 20 25 दा इत्थे की हुंदा इन्ना की ओ इतना ही होया करेगा ते ताक रातां दे विच कोई 10 मिनट 20 मिनट रूटीन तो ज्यादा भी लग सकदे ने ठीक है 2 घंटे ज्यादा मेरा वीर कहंदा 2 घंटे रूटीन तो ज्यादा खुलासा बयान होएगा ताक रातां बाकी ताक रातां विच भी माशाल्लाह देखो इन्हां दा अपना प्यार है इन्हां दी अपनी मोहब्बत है आओ दुआ करिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बना अहफजना मिन मसाइबिद दुनिया वल आखिरा रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम वक़िना अज़ाबन नार रब्बी अग़फिर वारहम वअंत खैरुर राहिमीन रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا إله العالمين يا أرحم الراحمين سڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جی پریشان حال بندیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جی بیماراں نو صحت کاملا عاجلا دائما عطا فرما اللہ سونیاں دکھیارے بندیاں دے دکھ دور فرما اللہ یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈے روزے نمازاں صدقات خیرات سہریاں کرنا کروانا روزیاں دے اندر کھانے طعام دے انتظام تمام فرمانا قبول و منظور فرما اللہ ساڈے اعتکاف بیٹھن والیاں دے اعتکاف قبول و منظور فرما اللہ سونیا اے نمازاں پڑھن والے راتاں نوں نفلی قیام کرنے والے روزے رکھنے والے اللہ ساڈے سارے عمل اپنی رحمتاں نال قبول و منظور فرما اللہ جڑے مستحق جگہ تے زکاتاں ادا کرنے والے اللہ انہاں دیاں زکاتاں ادا کرنیاں قبول و منظور فرما اللہ جڑی سب تو زیادہ مستحق ایک جگہ اس وقت دینی ادارے تے مدرسے بنے پے نے اللہ جڑے ضرورت دی جگہ تے زیادہ ضرورت والی جگہ تے خرچ کر دے نے اللہ اپنی رحمت نال انہاں دے رزق اندر زیادہ اضافہ فرما 1000 دے بدلے اللہ 1 لاکھ دے دے لاکھ دے بدلے کروڑ عطا فرما اللہ تیرے خزانے اچ کمی کوئی نہیں آنی اللہ جتنے روئے ضمیر تے زمین تے میرے بیٹے قاری عبدالحفیظ صاحب سمیت جتنے بیمار نے اللہ ساریاں بیماراں نوں شفا عطا فرما اللہ اللہ جنہاں دے والدین میرے والدین سمیت فوت ہو گئے اللہ انہاں نوں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما اللہ جی اسی تیرے در دے منگتے ہاں اللہ تیرے در دے فقیراں اپنے دروازے دے منگتیاں نوں خیر دیاں خیراں پا اللہ اپنے بندیاں نال راضی ہو جا اللہ شرمندیاں نہ کر اپنے دروازے دے منگتیاں نوں خالی نہ موڑ اللہ عرشاں والے اپنے بندیاں نوں معاف فرما دے اللہ راضی ہو جا یا اللہ اللہ سونے ساڈیاں اولاداں نوں قیامت تک توحید اُتے قائم دائم رکھی اللہ تیرے نبی دیاں سنتاں تے عمل کرنے والے تیری راہ اندر خرچ کرنے والے پیدا فرماندا ہی رہی اللہ تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں انہاں دے رزق بدھاندا ہی رہی رزق ود جاندے نے تے ایمان گھٹ جاندا ہے اللہ پھر ایمان دیاں فاستاں بھی فرماندا ہی رہی یا اللہ اللہ جی ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی مشرک پیدا نہ فرمائی توحید تے چلن والے تیرے دین تے چلن والے اللہ پیدا ہوندے ہی رہن اللہ دین نال محبت کرن والے پیدا فرماندا ہی رہیں اللہ سا قیامت تک واسطے ساڈا صدقہ جاریہ بنائی رکھی یا اللہ اللہ جی بے اولاداں اولاد نرینا تا فرما اللہ سنیا تو چاہوے تے ساڈے جیسے گناہگاراں دیاں وی من لینا اے اللہ سونیا منہ چوں نکلی ہوئی بات خالی نہ موڑے اللہ ہور بھی جڑے بے اولاد نے میرے قاری محمود احمد سیاد سمیت اللہ بے اولاداں نوں اولاد عطا فرما دے او بچی جڑی بیٹی میری دعا دی درخواست کرا رہی اللہ اونوں وی بیٹے وا بیٹیاں والی
बड़ी नेमत अता फरमा दे, और भी बे औलादा नु औलाद अता फरमा दे। अल्लाह सुनिया पूरी रूए जमीन ते जिथे किथे मुल्क और बैरूने ममालक बाहर दे मुल्कां दे अंदर जिथे जिथे लोग दुआ दे अंदर शामिल हुण मौजूद लाइव शामिल ने या बाद अंदर शामिल हुंदे रहणगे। अल्लाह जदों वी इस दुआ दे अंदर आमीन आखदे रहणगे अल्लाह उदों ही उन्हां दीआं परेशानियां दूर फरमांदे फरमा दिया करी। अल्लाह उदों ही उन्हां दे दुख दूर फरमा दिया करी। अल्लाह उदों ही बीमारियां तो शिफा अता फरमा दिया कर। अल्लाह उस वेले जदों आमीन बोलन अल्लाह उस वेले अपनी रहमत नाल उन्हां दी आमीन कबूल फरमा लई। या अल्लाह जेड़े लोग ना भी सुनगे नहीं भी जिन्ना तक बात पहुंचदी अल्लाह जिन्ना नूं पता ही नहीं कि अदना जा तालिब इल्म उन्हां वास्ते दुआ कर रहा है। अल्लाह सुनिया गैब गैब वास्ते दुआ करे तू जल्दी कबूल करना है। अल्लाह सारे लोग जितने मुसलमान मोमिन ने अल्लाह सारियां दे रिजक माल अंदर अजाफा फरमा दे। अल्लाह रिजके हलाल ते वापर अता फरमा दे। अल्लाह एहो जिहां गंदियां साजिशां एक करोना एक ऐसी दुनिया ते साजिश फैलाई गई अरबां ते खरबां डालर खर्च करने दे बाद खरबां डालर यानी कई करोड़ खरब डालर खर्च करने दे बाद ये जनाब साजिश फैलाई गई हुण ते वाजे हुंदी जा रही है साढ़े लोग फिर भी बंगते बनन दी वजह करके एडा जनाब एड जेड़ी लैण वास्ते अजे तक करोना करोना ही लाई हुई है। अल्लाह सुनिया इस साजिश तो साढ़े हुक्मराना नूं महफूज फरमा। अल्लाह जे किसी अंदर बीमारी है भी ते अपनी रहमत नाल खत्म फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत नाल सेहत कम लाज लाता फरमा दे। अल्लाह साढ़े हाल ते रहम फरमा। पूरी दुनिया तड़प गई बड़े बड़े सुरखेल बड़े बड़े खरांट बंदे इन्हें जनाब तड़पन लग गए जनाब इवें मईशत दा बुरा हाल होया बड़े बड़े लोग 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 पुकार उठे मता नसरुल्लाह अल्लाह तेरी मदद कदों आएगी। अल्लाह फरमांदा है सोनियो घबरा क्यों गए हो अल्लाह इन्ना नसरुल्लाह करीब सबर ते करो। अल्लाह कहंदा मेरी मदद आई के आई मेरी मदद करीब है। अल्लाह अपनी रहमत नाल साढ़े जो आंसू निकले अपनी रहमत नाल कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह साढ़े रोजे कबूल फरमाई अल्लाह साढ़िया सहरियां अफतारियां करना करवाना कबूल फरमाई साढ़े सदके खरात कबूल फरमा। प्यारे नबी फरमाया जो मुश्किल हालात अंदर जदों बंदे नूं पैसे दी आप नूं लोड़ है जिहड़ा अल्लाह दी राह अंदर खर्च करदा है अल्लाह भी उहदे मुश्किल वक्त अंदर उहनूं कम आएगा। जिहड़ा अपने ज़िया नाल ज़ियाती करने वाले नूं मुआफ करदा है अल्लाह भी उस बंदे नूं क़यामत वाले दिन मुआफ फरमा देगा। अल्लाह अपनी रहमत नाल सानूं मुआफ फरमा। असीं ते दुआ करने आ आमीन कहण वाले भी शामिल हो जाणगे। अल्लाह जिन 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 लोगों ने मेरे अदना जे तालिब इलम नाल यानी मैं तालिब इलम दे नाल ज़ियाती कीती है मेरी गीबत कीती मेरी चुगली कीती मेरे नाल ज़ियाती कीती अल्लाह मैं उन्हां सारियां नूं जो जिंदा ने उन्हां नूं ही जिहड़े फौत होए ने उन्हां नूं ही दिलों मुआफ फरमा छड़िया। अल्लाह अल्लाह सोनिया सारे आमीन आख रहे ने एक दूसरे वास्ते। अल्लाह हो सकता है अज वाली रात ही लैलतुल कदर दी रात होवे असी फिर दुआ करिए जड़ी अम्मी आयशा सिद्दीका नू प्यारे नबी ने सिखलाईए। आपने फरमाया शाह लैलतुल कदर दी रात जे दुआ करनी होवे केड़ी दुआ आपने फरमाया दुआ करया कर अल्लाहुम्मा इन्नका अफूल तुहिब्बुल अफवा फ़ाफ़ू अल्ली। अल्लाह तू मुआफिया नू पसंद करना है मैनू ही मुआफ फरमा दे। हुण असी जमा दसीगा बोलदे आ अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूल तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ू अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूल तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ू अन्ना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना
ذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي